हेलो एवरीवन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फर्स्ट क्लास होंगे और अच्छे से होंगे एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अपनी इस क्लास में बहुत अमेजिंग रहने वाला है ये सेशन आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों ने देखा था शाम पाँच बजे भी मैंने क्लास करवाई थी जिसमें मैंने आपको बुक्स रिलेटेड सवाल करवा दिए थे और मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस भी करवा दूँ इस सेशन की मतलब ये जो सेशन होगा ना इस सेशन की आपको प्रैक्टिस भी करवा दी जाए मेरे द्वारा ये कोशिश रहेगी क्योंकि मैं समझ रहा हूँ बहुत मुश्किल क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए बहुत टफ लग रहे होंगे आपके क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे सवाल तो पहले पड़े ही नहीं है और एकदम से ऐसे सवाल हम कैसे टैकल कर सकते हैं क्योंकि जो मैंने पचास सवाल करवाए थे अगर वो पचास के पचास सवाल टेस्ट में पूछ लिए जाएँ तो दस से ज़्यादा सवालों के जवाब कोई ठीक नहीं दे पाएगा ठीक इसके अलावा इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा लगभग आपको 100 क्वेश्चंस करा दूं बुक से रिलेटेड और लगभग दो ढाई घंटे के आसपास मैंने सोचा है कि क्लास को कंटिन्यू करूं मिनिमम मिनिमम से मिनिमम लेकर मैं दो घंटे के आसपास तो ये क्लास आपकी करवाने ही वाला हूं बस एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में फटाफट फड़ से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए आपके इस सेशन को क्लास आपकी शुरू हो गई है चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रजत जी किशन जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में मैंने टारगेट आपको बता दिया है कल की क्लास में मैंने आपको करवाए थे स्पोर्ट्स संबंधित सवाल और आज की इस क्लास में मैं आपको करवा दूंगा बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस एसएससी जीडी एमटीएस एन टी पी सी सी बी टी टू और ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी हर एग्जाम को टारगेट करते हुए मेरी ये क्लास आपको नजर आएगी केवल एक एग्जाम नहीं ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स को मैं टारगेट करूंगा अपनी इस मात्र एक क्लास के माध्यम से चलिए जी शुरू करते हैं क्लास बस आप शेयर कर दीजिए सेशन को फटाफट से जल्दी से और एक चीज और पहले बता दूं मैं भाई मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना उसमें आंसर्स नहीं होंगे अगर आंसर्स यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ और वो पीडीएफ में भी आंसर दे रहा हूँ तो फायदा क्या है तो मैं पी में आंसर्स नहीं देता हूँ पी केवल प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ तुम्हें कि पी डी तुम्हें मिल गई अब तुम प्रैक्टिस करो उस पी से ठीक चलिए जी शुरू करते हैं क्लास आप सभी लोग जानते हैं आपको मेरी दो क्लासेस मिल जाएंगी साइंस सेवन चैनल पे जो कि पार्ट है एन अकेडमी का दोपहर एक बजे और रात सवा नौ बजे दो क्लासेस आपको नज़र आएंगी मैं कोशिश करूंगा कि आज सवा नौ बजे वाली क्लास को भी यहीं पर इंक्लूड करके मैं एक्सटेंड कर दूं खींच दूं मतलब दो घंटे यहीं पढ़ाने की मेरी टारगेट रहेगा इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि अन अकेडमी के द्वारा एक कॉम्बेट करवाया जाता है जैसे बहुत सारे बहुत अमेजिंग बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं बहुत जबरदस्त स्टूडेंट जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट तो उन सभी विद्यार्थियों को एक बेहतर अवसर मिल पाए एक बेहतर चांस मिल पाए उसके लिए अन अकेडमी करवाता है कॉम्बेट एवरी संडे दोपहर बारह बजे मतलब रविवार को दोपहर बारह बजे दिन में बारह बजे ये कॉम्बेट करवाया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोर्स सी एम टेन ये कॉम्बेट कहाँ कराया जाएगा अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पर अगर आप सीधा ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉम्बैट का चालीस सवालों के जवाब अगर पचास मिनट में आपने ठीक दे दिए मैक्सिमम सवालों के जवाब तो आप स्कॉलरशिप के भागीदार बन सकते हैं जो कि स्कॉलरशिप का जो एक अमाउंट रखा गया वो एक करोड़ तक की स्कॉलरशिप का अमाउंट रखा गया है क्लियर उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स इसके बारे में आपको समझ आ गए होंगे उसके अलावा ये कुछ एसएससी एस कैटेगरी के कोर्सेज हैं किसी को भी किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करनी है तो याद रखिएगा आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड सी एम अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल नहीं किया तो एक जो अच्छा खासा डिस्काउंट बेनिफिट आपको मिल सकता है ना वो बेनिफिट से आप वंचित रह जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ऑल सेट सभी तैयार हैं शुरू करें सर पीडीएफ डी आज ही दे देना सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे डन बिल्कुल हंड्रेड परसेंट ठीक पक्का चलिए ऑल सेट लेट्स क्रैक इट पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पहले ही बता देता हूँ सौ क्वेश्चन हैं क्लास का समय कितना रहेगा दो घंटे रहेगा तो जो पहली बार मतलब जुड़ रहा है क्लास में वो लंबे समय तक जुड़े रहना मतलब दो घंटे कंटिन्यू रखना क्लास को ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लेकर इधर चले गए फिर उधर चले गए सवाल है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्वामी एंड फ्रेंड्स वो बोल रहा है एक किताब है किताब का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो स्वामी एंड फ्रेंड्स नामक किताब है ना उसके लेखक कौन है स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है अगर कोई विद्यार्थी एस एस सी की तैयारी कर रहा है एक अच्छे खासे समझते से, समय से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने ये वाला सवाल ना देखा हो डेफिनेटली उसने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा स्वामी एंड फ्रेंड्स ऑप्शन है आ, मुंशी प्रेमचंद जी रमन मैक्स मुल्लर या फिर आर के नारायण क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जवाब दीजिए भाई फटाफट फड़ से जल्दी से आ, जी पॉलिटी वाली क्लास मैं करवा रहा हूँ मगर अभी ना मैं थोड़ा एम को भी टारगेट कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ दो तीन जो टॉपिक मेन मेन है ना तुम्हारे वो टॉपिक जल्दी से कवर अप करा दूंगा कि मुझे भी टाइम मिल जाए अच्छा खासा फिर तुम्हारे साथ काम करने के लिए हाँ आप चिंता मत कीजिए पॉलिटी वाली क्लासेस के लिए भी मैं दो तीन क्लासेस एक दिन में लगा के ना तीन चार टॉपिक एक दिन में ही कंप्लीट करा दूंगा ताकि तुम्हारा वहाँ भी कोर्स खिंच जाए ठीक चलिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो स्वामी एंड फ्रेंड्स नामक किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है बहुत बेसिक सवाल है बहुत सिंपल सवाल है आप ईजीली जवाब दे देंगे ठीक है आप इजीली जवाब दे देंगे सवाल का जवाब है आर के नारायण आपको याद होगा मैंने एक किताब आपको और पढ़ाई थी आज जहाँ पे ऑप्शन था गाइड याद है ये गाइड किसकी किताब है गाइड किसके द्वारा लिखी गई बुक है जल्दी जवाब दीजिए वहाँ भी आपको मिल रहे होंगे आर के नारायण तो दोनों ही क्वेश्चन का जवाब आपने मिल गया दोनों ही सवालों का जवाब क्या है आर के नारायण नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है सवाल है अरुणिमा सिन्हा इज द ऑथर ऑफ अरुणिमा सिन्हा सिन्हा जो है ना वो निम्नलिखित में से किस किताब की लेखक है बॉर्न अगेन ऑन द मोमेंट लॉस्ट एंड फाउंड इन इंडिया फॉर्ज योर फ्यूचर या फिर वॉटर इन द अपकमिंग डीकेट्स निम्नलिखित में से किस किताब की ऑथर आपको मिल जाएंगी अरुणिमा सिन्हा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लॉस्ट एंड फाउंड इन द इंडिया फॉर फॉर्ज योर फ्यूचर या फिर वॉटर इन द अपकमिंग डेकेट्स क्या रहेगा सवाल का सही जवाब क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट फड़ से और क्लास को लाइक भी कर दीजिए ठीक क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट फड़ से और क्लास को लाइक भी कर दीजिए एक बार जल्दी से सभी लोग मिलकर ठीक क्लास को शेयर और लाइक like भी कर दीजिए फटाफट फड़ से जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को एक बार और दोबारा से शेयर कर दीजिए और फटाफट फड़ से लाइक कर दीजिए क्लास को क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब क्या रहेगा बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन लॉस्ट एंड फाउंड इन इंडिया फॉर योर फ्यूचर या फिर वाटर इन द अपकमिंग डिगेट्स क्या रहेगा इस सवाल का जवाब सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन आप बोलोगे सर इसको याद करने का तरीका क्या है हम कैसे इसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं देखिए मेरी पर्सनल गाइडेंस मैं आपको अपनी तरफ से यही बोलना चाहूंगा कि अगर इसकी पी आप निकलवा सकते हैं तो ज़रूर निकलवा लेना अगर पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं हम भी उस दौर से गुजरें मुझे याद है जब मैंने पहली बार कोचिंग कराई थी ना तो ढाई सौ घंटा मिला था ठीक है दो सौ मिले थे केवल दो सौ एक ही क्लास होती थी दो सौ मिलते थे तो साढ़े तीन चार हजार रुपये पूरे महीने में मिलते थे तब मैं खुद भी पढ़ता था और पढ़ाता भी था तो पूरे महीने में जब चार हजार मिलते थे ना तो उसमें से मैं बाईस सौ रुपए या दो हजार रुपये की किताबें खरीदता था ठीक और बचे हुए दो हजार किराया विराया ये वो इन सब चीजों में लगाता था कपड़े लगते तो खरीदने का आज भी शौक नहीं है ना ही पहले था सवाल का जवाब है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है सवाल है द फर्स्ट हिस्ट्री बुक वॉज रिटन बाय जो इतिहास की पहली किताब थी ना वो किसके द्वारा लिखी गई थी ये क्वेश्चन अच्छा है अगर पर्सनल राय लेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन है एल्यूसिड के द्वारा हेरोडोटस के द्वारा एरिस्टोटल के द्वारा या फिर जूलियस केसर के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जवाब दीजिए भाई फटाफट फड़ से और क्लास को लाइक कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से जल्दी से क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है एल्युसेड हेरोडेटस एरिस्टोटल या फिर जूलियस कैसर पहली इतिहास पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी एल्यूसेड के द्वारा लिखी गई थी हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी एरिस्टोटल के द्वारा या फिर जूलियस कैसर के और अपना इतिहास मत बताना कि सर पहली बार जब मोहब्बत हुई थी तो इतिहास की किताब तो हमने भी लिखी थी और वो इतिहास की किताब पूरी गली में बंटवा दी थी उसके बाद गली वालों ने मिल मारा घर वालों ने अलग मारा वो वाली इतिहास नहीं पूछ रहा हूँ नॉर्मल वाला इतिहास पूछ रहा हूँ ठीक है जी चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए बहुत बढ़िया आ, लगाना ही नहीं है मतलब एल्यूसेट जो लगा रहा है ना वो दिमाग नहीं लगा रहा सर फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला गया इतिहास का जनक किसे बोला गया हैरोस को बोला गया क्योंकि उन्होंने इतिहास की पहली किताब लिखी थी इसीलिए ठीक <coughs> चलिए आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ जवाब देने की कोशिश करना सवाल ये है पहली बार गणेश महोत्सव कब मनाया गया था आप सभी लोग जानते हैं आज गणेश महोत्सव है ठीक है तो पहली बार गणेश महोत्सव कब बनाया गया था बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है आपको कितनी जानकारी है तो गणेश महोत्सव जो है वो पहली बार कब मनाया गया था जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट -फड़ से मैं लगाता हूँ अगला सवाल इस सवाल का जवाब हैरीडोटस है अगर एग्ज़ाम में पूछ जाए फादर ऑफ़ हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री पूछ जाए अगर एग्ज़ाम में तो फादर ऑफ़ हिस्ट्री में भी आप क्या टिक करेंगे फादर ऑफ़ हिस्ट्री में भी आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सवाल आ गया हु द बुक माई ट्रूथ बस माई ट्रूथ के सामने अपने आप मत लिखवा देना मतलब कि पे केवल माई ट्रूथ लिखा हुआ ऐसा मत करना कि माई ट्रूथ के आगे ये लिख दो माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ ऐसे मत करना इंटेलिजेंट मत लगाना कहीं सोचो कि एग्जाम में आधा ही क्वेश्चन दिया है कह रहा है माई ट्रूथ पूछ गया लग रहा है माई एक्सपेरिमेंट कह रहा लग रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ लिखना भूल गया ऐसा मत सोचना कि माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ लिखना भूल गया और केवल माई ट्रुथ लिखकर हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है कि हमारे साथ लट्टू चलाने की कोशिश कर रहा है हम चलाते हैं इसके साथ लट्टू जवाब दीजिए जैकी चैन जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी या फिर विजय हजारे विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध आपको मिल जाएगा क्रिकेट से यह भी याद रखना यह सवाल भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है किससे संबंध रहेगा क्रिकेट से इसके अलावा हाल ही में जो भारतीय टीम के कोच हैं इंडियन मेल टीम के जो कोच हैं जिनका नाम रवि शास्त्री है उनके उनकी एक किताब लॉन्च हुई है वो किताब किसके द्वारा लिखी गई है जल्दी बताइए और उस किताब का नाम क्या है ये सवाल एग्जाम में ज़रूर आएगा एम वाले एग्जाम में भी आएगा सी बी में भी आएगा जे में भी आएगा स्टैनो में भी आएगा मेरी पर्सनल गारंटी है ठीक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अठारह सौ तिरानवे मिलना चाहिए सर 1893 आप ईयर शायद मेरे ख्याल से शिवांगी साहब जी शायद आप ईयर रॉन्ग बता रही हैं जितना मुझे याद है अठारह सौ तिरानवे में वो प्रकाशित हुआ था और अठारह में पहली बार बनाया गया था एटीन में जितना मुझे याद है आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं व्यक्ति का नाम बाल गंगाधर तिलक एकता जोड़ने के लिए और पहली बार कहाँ बनाया गया था पुणे के अंदर उसके बाद अगले वर्ष मतलब 1894 में पुणे में बनाया गया था उसके बाद अगले वर्ष 11 और जगहों पर पंडाल लगाया गया था गणेश जी का ध्यान रखना हो सकता है यर आप ठीक बोल रहे हो मगर जितना मुझे याद है मेरी पर्सनल जो मेमोरी है उसके हिसाब से एटीन नाइन्टी में प्रकाशित हुआ था न्यूज़पेपर में और एटीन में पहली बार मनाया गया माई ट्रुथ जिस किताब का लेखक कौन है अगला सवाल भाई ये आता है <coughs> चलिए सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब इंदिरा गांधी जी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सवाल का जवाब क्या है <coughs> सवाल का जवाब है इंदिरा गांधी जी इंदिरा गांधी जी के ऊपर और भी कई सारी किताबें लिखी गई हैं एक किताब लिखी गई थी इनकी बेस्ट फ्रेंड के द्वारा जिनका नाम था पुपुल जयकर एक किताब लिखी गई है इनकी बेस्ट फ्रेंड के द्वारा जो इसकी इनकी जीवनी के रूप में आप मान सकते हो इनकी बायोग्राफी के रूप में जो पुपुल जयकर के द्वारा लिखी गई है पुपुल जयकर कौन थी तो पुपुल जयकर इंदिरा गांधी जी की बेस्ट फ्रेंड थी आ, मतलब आ, सबसे क्लोज सहेली थी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इंदिरा गांधी जी था सवाल का जवाब फिर बोल रहा हूँ अगला सवाल पंचतंत्र हैज बिन रिटन बाय जो पंचतंत्र किताब है उसे किसके द्वारा लिखा गया है ऑप्शन है सूरदास कालिदास विष्णु शर्मा या फिर विशाख दत्त क्या रहेगा सवाल का सही जवाब क्लास को शेयर कर दीजिए और फटाफट से क्लास को लाइक भी कर दीजिए की ऑफ डॉल चाबी वाली गुड़िया इन्हें बोला गया था ठीक किन्हें बोला गया है चाबी वाली गुड़िया चाबी वाला गुड़िया आपको मिलेगा नजर आएगा मतलब चाबी वाली गुड़िया के रूप में आपको नजर आएंगे इंदिरा गांधी चाबी वाली गुड़िया बोला गया इन्हें क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है शर्मा जी विश्व शर्मा जी बहुत बढ़िया तो पंचतंत्र ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है सवाल का जवाब क्या है पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है सवाल का जवाब जवाब है ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसके अलावा कालिदास वाली मैंने आपको बताई दी इससे पहले वाली जो किताब हुई थी इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें कालीदास जी से संबंधित किताबी मैंने आपको करवा दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत सारी किताबें हैं कालिदास जी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड अ पैसेज टू इंग्लैंड रिमली कितने से किसके द्वारा लिखी गई किताब है ऑप्शन है विक्रम सेठ एरिक सैगल से, रोंग ई एम फ्रॉस्टर फॉस्टर या फिर निराध सी चौधरी आप पैसेज टू इंग्लैंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है ऐसे ही एक पैसेज टू पाकिस्तान करके भी है वो खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है वो अलग से याद रखना वो पाकिस्तान के ऊपर लिखी गई है मतलब खुशवंत सिंह जी ने लिखी है और पाकिस्तान संबंधों को लेकर वो किताब लिखी गई है ठीक इस सवाल का जवाब दीजिए आप पैसेज टू इंग्लैंड विक्रम सेठ एरिक सीगल रॉन्ग ई एम फोस्टर या फिर नीरज सिंह चौधरी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी सवाल बहुत अमेजिंग मिलेंगे हंड्रेड बुक्स आपको मिलेंगी ठीक है शगुन के तौर पे या तो फिर एक सौ एक करा दूंगा या निन्यानवे करा दूंगा सौ नहीं कराऊंगा ठीक या तो एक कम करा दूंगा या एक ज्यादा करा दूंगा इस सवाल का जवाब क्या है इस सवाल का जवाब है निराध सी चौधरी और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जवाब देने की कोशिश आप कीजिए गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है गलत होगा तभी तो याद रहेगा अगर आप जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे ना अगर आपको लगता है यार मैं बी क्यों दू मेरी बेस्ती होगी बेस्ती नहीं होगी मान लीजिए मैंने भी आपकी कमेंट पढ़ के थोड़ा सा मजाक कर दिया तो आप ऐसा मत सोचना कि सर मजाक कर रहे हैं सर अगर आपकी मैं एक बार मजाक कर दूंगा अरे विक्रम सेठ कैसे दे दिया आपने सुटेबल बॉय दे दिया आपने या फिर अनसुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है वो लिखी गई है करण जौहर के द्वारा या सुटेबल बॉय लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा और आपको इतना भी नहीं पता तो आपको वो चीज़ याद रहेगी जीवन भर

मार्क uh, ट्वेन के द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए <coughs> दीजिए भाई सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी माई ट्रूथ इंदिरा गांधी जी वाली हो गई बहुत बढ़िया ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड अब ये ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड जो है वो किसके द्वारा लिखी गई किताब है क्या रहेगा इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी या फिर डी बहुत बढ़िया चाचा नेहरू जी के द्वारा मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी ये वाली किताब सवाल का जवाब है जवाहरलाल नेहरू अब आप समझ सकते हैं कि कितनी फेमस पर्सनैलिटी है, है भारत के पहले विदेश मंत्री हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं इंडियम गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री हैं कांग्रेस के बड़े नेता थे बहुत बड़े फेमस नेता थे इन्हीं के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का मसौदा तैयार किया गया मसौदा का मतलब क्या होगा ड्राफ्ट जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं जो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं आर्टिकल नंबर बारह बारह से लेकर आर्टिकल नंबर पैंतीस तक वो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही तैयार किया गया इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतर आत्मा इनर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो वो है फंडामेंटल राइट right, अंतर आत्मा बोल रहा हूँ इनर सोल ठीक है ना हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर बत्तीस वो बोला गया है भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है बहुत चांसेस है सवाल एग्जाम में मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ लिविंग हिस्ट्री हैज बीन ऑथर्ड बाय बताइए भाई आत्मकथा लिविंग हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है द ऑटोबायोग्राफी लिविंग हिस्ट्री हैज़ बीन ऑथर्ड बाय मार्गेट एटवुड बैनिजर बुट्टो हिलैरी क्लिंटन या फिर मोनिका लुविन लुविंसकी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जवाब दीजिए ऑटोबायोग्राफी जी जितने अलग अलग सवाल बनते हैं वो सारे ही मैंने आपको बता दिए हैं बस क्लास को लाइक कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट -फड़ से जल्दी से लाइक वाइक भी कर दीजिए भाई क्लास को आर्टिकल नंबर उन्नीस आर्टिकल नंबर बीस जो भी आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया मगर मैंने आपको बता दिया आर्टिकल नंबर बत्तीस के बारे में इसके अलावा मैंने आपको बता दिया आ, आपने एक आर्टिकल बताया दीपक कश्यप जी वो एप्सल्यूट आर्टिकल है ठीक है ना वो वो फंडामेंटल राइट है वो एपसल्यूट फंडामेंटल राइट क्या होता है ये आपको जुड़ना पड़ेगा मेरी क्लास में उसके बाद आपको समझ आएगा इस क्लास इस सवाल का जवाब दीजिए लिविंग हिस्ट्री ये जो लिविंग हिस्ट्री नामक किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है बहुत बढ़िया सवाल का जवाब है हिलैरी क्लिंटन के द्वारा अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वाला सवाल शायद हमने पहले भी पढ़ा है इससे पहले वाली जो पाँच बजे क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था हिलारी क्लिंटन वाला सवाल सवाल का जवाब है हिलैरी क्लिंटन ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न बाय द रिचर्ड फ्लैंगिन रिचर्ड फ्लैंगिन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आपको लिखा गया है ऑप्शन है द नैरो रोड टू डीप नॉर्थ किरण बेदी कैसे बनी टॉप कॉप फ्लट ऑफ फायर या फिर फैमिली लाइफ चलिए रिचर्ड फ्लैंगन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी हुई है मान लो तुम्हारी किताब भी छपरी है तुम्हारी प्रेम गाथा ठीक है और भाई तुम्हारी मतलब मान लो नौकरी लग गई जस्ट इमेजिन तुम्हारी एक अच्छी सी बहुत जबरदस्ती नौकरी लग गई शादी वादी हो गई फिर तुम्हारी किताब छपरी है कि प्रेम गाथा और तुम्हारी प्रेम गाथा में हर पन्ने पे एक अलग नाम दिख रहा और भाई हुए फिर घर में तुम्हारे क्या मतलब तुम्हारे तांडव क्या होगा तुम्हारे जीवन में इसीलिए बोलता हूँ पढ़ाई में ध्यान दो वो वाले तांडव पे ध्यान मत दो कल को छप गई तुम्हारी किताब तो सोचो क्या होगा ठीक है चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए सवाल का जवाब है द नैरो रोड टू डीप नॉर्थ ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब द नैरो रोड टू डीप थॉट ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब रिचर्ड फ्रैंगन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इनोवेशन इन इंडिया ये आई भाई किताब इनोवेटिव आइडिया तो तुम ही लेकर आते हो याद होगा मैंने पढ़ाया था बौद्धिक संपदा में मतलब हमने जो हाल ही में पैटेंट दर्ज करवाए हैं पैटेंट मतलब बौद्धिक संपदा जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पैन की खोज करी तो मैंने मेरे नाम से पैटेंट दर्ज करवा दिया अब हमने जो पैटेंट दर्ज करवाए हैं ना उसमें पिछले सात वर्षों में पाँच प्रतिशत की इंक्रीमेंट इंक्रीज़ देखी गई है जितना एक्यूरेट मुझे शायद डाटा ठीक ना हो मगर 574 परसेंट इंक्रीज़ देखा गया है भारत की पेटेंट दर्ज कराने में कि भाई इसकी खोज हमने करिए इसकी खोज हमने करिए उसी प्रकार से सवाल है इनोवेशन इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है शाम वी रामनी के द्वारा अरुण कुमार के द्वारा मीनाक्षी चौधरी के द्वारा या फिर एक ए जी न्यू रानी के द्वारा चलिए भाई क्या रहेगा सवाल का जवाब फटाफट फड़ जवाब दीजिए बहुत बढ़िया जी बहुत उमदा अच्छा सवाल का जवाब आपने दिया है सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है शाम वी रामनी के द्वारा करंट अफेयर के सवाल मिल जाएंगे पुराने इतिहास के सवाल मिल जाएंगे स्टैटिक जीके के सवाल मिल जाएंगे बुक्स बुकों से संबंधित और कुल मिलाकर <coughs> डेढ़ सौ सवाल मिल जाएंगे वन फिफ्टी ज़्यादा नहीं डेढ़ सौ मिल जाएंगे और डेढ़ सौ क्वेश्चन मोर देन सफिशेंट है ठीक है किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना काम चल जाएगा सवाल का जवाब है श्याम वी रामनी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है <coughs> अगला सवाल है इन विच लैंग्वेज डिड डॉक्टर मस्ती वेंकटेश आयंगर राइट ध्यान से पढ़िए दोबारा सवाल डॉक्टर मस्ती वेंकटेश आयंगर ने किस भाषा में लिखा था इन विच लैंग्वेज डिड डॉक्टर मस्ती वेंकटेश आयंगर राइट मलयालम तमिल तेलुगु या फिर कन्नड़ा वो पोएट का एक नाम बता रहा है आपको एक ऑथर का एक राइटर का नाम बता रहा है और बोल रहा है किस भाषा में लिखते थे मलयालम भाषा में तमिल भाषा में तेलुगु भाषा में कन्नड़ भाषा में सबसे बड़ा जो इतिहास के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है भारत में उसका नाम क्या है हाइएस्ट लिटरेची लिटरेसी अवार्ड इन इंडिया हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया क्या रहेगा सबसे बड़ा साहित्य में पुरस्कार कौन सा दिया जाता है भारत में हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया ज्ञानपीठ पुरस्कार ध्यान रखना भाई ये बता दीजिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया और हाल ही में जो ज्ञानपीठ हाल ही में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया दो सवाल आपके सामने मौजूद हैं दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए और साथ साथ ये बता दीजिए पहली महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पहली महिला फर्स्ट फीमेल हु गॉट ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सभी सवाल एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे ठीक है ज्योतिरामोहन चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया चलिए इन विच लैंग्वेज डिड डॉक्टर मस्ती वेंकटेश आयंगर राइट बहुत अच्छा सवाल है सवाल का जवाब कन्नड़ है इसके अलावा हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो दिया जाता है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार बाईस भाषाएं ट्वेंटी टू लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में दिया जाएगा ये वाला पुरस्कार ठीक इसके अलावा पहली महिला कौन थी और पहला पुरस्कार किसने जीता और हाल ही में किसने पुरस्कार जीता ये तीन सवाल बता दीजिए मलयालम पॉइंट मिलेंगे आपको वो कहाँ से निकाला सवाल वो मलयालम लैंग्वेज से मुझे याद आया ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ से पहला अंतिम और ये पहली महिला याद आया ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एक युवा लड़की की डायरी किसके द्वारा लिखा गया लेख है रैकल कार्सन के द्वारा रोनेल रोन एंड के द्वारा यानी फ्रैंक के द्वारा या फिर इब्न बतूता के द्वारा ये इब्न बतूता के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी भाई साहब ये बता दीजिए पहले तो ये इब्न बतूता के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी ये बता दीजिए ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एम बी टी के द्वार में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इसे काजी की उपाधि दी गई थी इसे काजी की उपाधि काजी का टाइटल दिया गया था शायद सात या आठ से नौ साल इसने गुजारे थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में क्यों गुजारे क्योंकि कहते थे इसी की इसी को समझ आती थी मोहम्मद बिन तुगलक की बात क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था उसकी बात लोगों को समझ नहीं आती थी क्योंकि आप समझ सकते हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसकी समझ नहीं आएगी जो बहुत ही कम होगा उसकी समझ नहीं आएगी हमारे जैसे बंदे की सबको समझ आ जाएगी ठीक जी बहुत बढ़िया रिहाला कहां से आए थे मोरक्को से आए थे चलिए नहीं नहीं आंसर्स नहीं डालूंगा भाई पीडीएफ में मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको क्लियर कट सर आप कुछ मत कीजिए आप ये पहला क्वेश्चन से उठाइए पहले क्वेश्चन का ए था बी था सी था डी था वहां से नोट कर लीजिए हंड्रेड क्वेश्चनों के ऐसे नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद उस पीडीएफ को खोलिए जो पीडीएफ मैं दूंगा और फिर उस पी में देखिए पहले का आप क्या टिक कर पा रहे हैं दूसरे का आप क्या टिक कर पा रहे हैं सर आप खुद इमेजिन करिए अगर इसकी पी में मैं आंसर आपको दे दूंगा तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे फिर आप पता क्या करोगे आप क्यों हाथ रख के रटोगे कर इब्न बतूता इबन बतूता अच्छा इबन बतूता इबन बतूता ऐसे याद करोगे फिर तुम फिर कभी याद नहीं होगा देखिए एक टीचर होने के नाते सही सलाह दे रहा हूँ मेरी सलाह मानेंगे तो बहुत दूर तक पहुँचेंगे मतलब बहुत अच्छी नौकरी पर आप बैठ जाएंगे जाके सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब एनी फ्रैंक है आप मान लीजिए एनी फ्रैंक जवाब है अब यहां मैं यू लिख दूं, बड़े बड़े अक्षरों में पीडीएफ में, जवाब है तो आप कुछ नहीं करोगे आप खोलोगे बोरवा क्वेश्चन बोरवे का क्या जवाब है एनी फ्रैंक हो गया यार फिर आप कभी नहीं पढ़ोगे कि किताब का नाम क्या है किताब का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल अब आप पढ़ोगे किताब का नाम क्या है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसके द्वारा लिखी गई एनी फ्रैंक के द्वारा ठीक इसीलिए आंसर्स नहीं दूंगा भाई मैं पीडीएफ में मैं ऐसा ही हूं ठीक अब मैं ऐसा कहूँ ये तो मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुसलमान द हैंड रिटन डेली पब्लिश फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हा हस्तलिखित दैनिक द मुसलमान निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रकाशित होती है बताइए भाई ये जो मुसलमान है मुसलमान द हैंड रिटन डेली पब्लिश फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ये जो दैनिक है ना ये हस्त लिखे मतलब हाथ से लिखा हुआ ये जो दैनिक है ये कहाँ पर प्रकाशित किया जाता है नाम ध्यान रख लेना ये मुसलमान लिखा हुआ है यहाँ पे मुसलमान यहाँ पर लिखा हुआ है चेन्नई में हैदराबाद में मैसूर में या लखनऊ में अच्छा सवाल है कम से कम बयालीस सौ ग्रेड पे का सवाल है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कि सर कितने ग्रेड पे में शंकर कुरूप मिलेंगे बहुत बढ़िया और आशा पूर्णिमा देवी मिलेंगी पहली महिला बहुत अच्छे ठीक चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट फड़ से और जो विद्यार्थी नया जुड़ रहा है आपको मेरी डेली बेसिस पर क्लासेस मिल जाएंगी साइंस हेवन चैनल पर और यहाँ आपको मेरी क्लासेज मिल जाएंगी डेली रात आठ बजे और वैसे साइंस हेवन चैनल साइंस एवं यूट्यूब चैनल है वहां पर भी आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी चलिए कहाँ पर प्रकाशित होता है बहुत बढ़िया जल्दी से आप नहीं दे पाएंगे सवाल का जवाब सवाल का जवाब चेन्नई है ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सवाल है हु सेट चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन किसने कहा बालक मनुष्य का पिता है हु सेट चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन ये बात किसने कही ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई जैसे पूछा जाता है ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ठीक है ना डू और डाई करो या मरो तो ये नारे किसने दिए उसी प्रकार से ये ऑथर्स में पोएट्स में है ये कि हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा एरिस्टोटल ने इसी प्रकार से मैन इज अ सोशल एनिमल ये किसने कहा ये सब पूछा जाता है एग्जाम में ठीक लॉर्ड ब्रॉन ने विलियम वॉर्ड्स ने शेक्सपियर ने या फिर जॉन कीट्स ने इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था फादर ऑफ इंग्लिश पोएट ठीक है ना वो चौसर आपको याद होगा नाम मैंने चौसर पढ़ाया आज शाम पांच बजे आपको पचास क्वेश्चन की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है अब सौ क्वेश्चन वाली क्लास आपकी चल रही है हु चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन ये बात कही गई गईम्स वार्थ के द्वारा ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब विलियम्स वार्ड्स वार्थ के द्वारा ये स्टेटमेंट ये बात कही गई है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन ये घर में मत बोल देना पता चल रहा है तुम्हारे पापा फिर तुम्हें बना रहे हैं बाप समझ गए अगला सवाल शिशु इज द लिटरेरी वर्क ऑफ विच इंडियन ऑथर ये जो शिशु है किस भारतीय लेख की लेखक की साहित्यिक कृति है बताइए भाई ये एक वर्क है मतलब जिसके द्वारा ये लिखा गया है उनका ये वर्क है सवाल यहाँ पर यह है किसके द्वारा शिशु ध्यान से बढ़िया इंपॉर्टेंट है विक्रम सेठ के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या फिर अरुंधति रॉय के द्वारा ये वर्क किया गया है शिशु निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है शिशु क्योंकि विद्यार्थी इतना समझदार है मान लीजिए पिछला वाला क्वेश्चन था ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन दो बच्चा ही हूँ देख रहा है कह रहा समझ गए कह रहा हमें समझा रहे हो हम आपको समझा दें पिताजी बिठा के और आप हमें समझा रहे हो तो ऐसे वाले काम मत कर देना भाई साहब फिर पता चल रहा है यहाँ तक आवाज़ आ रही है पिटने की कि वाइपर टूट रहे हैं घर में ठीक बेटा बनाता हूँ तुझे आज बाप बनाते हैं तुझे रुक जा क्या रहेगा सवाल का जवाब चलिए जवाब दीजिए सवाल का जवाब क्या रहेगा शिशु किसके द्वारा करा गया वर्क है तो ये वर्क रहेगा रविन्द्र नाथ टैगोर का ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सवाल है ये तो बहुत बेसिक है भाई साहब माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ ये हर बार आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा लगभग एग्जाम में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसके द्वारा किया गया कार्य है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी मिशेल एंडरसन चर्चिल या फिर जेम्स मॉरिस क्या रहेगा सवाल का सही जवाब हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इसके अलावा माई ट्रूथ आपने देख लिया था माई ट्रूथ किसका वर्क था तो माई ट्रूथ वर्क था माई ट्रूथ किसका वर्क वर्क था my truth था अपना इंदिरा गांधी जी का आई जी जी का ठीक इस सवाल का जवाब क्या है इस सवाल का जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म हुआ था 1869 सिक्सटी अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1869 सिक्सटी पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था इनकी वाइफ का जो निधन हुआ था इनकी वाइफ की जो डेथ हुई थी कस्तूराबाई गांधी की उनकी डेथ हुई थी 1944 में 1944 में और कहां पर डेथ हुई थी पुणे में डे, डेथ हुई थी आगा खान फोर्ट में आपको मिल जाएगी उनकी समाधि समाधि स्थल ठीक ध्यान रखना सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है गांधी जी का मृत्यु कब हुई तो तीस जनवरी नाइनटीन को हुई थी डेथ इनकी क्लियर अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हु द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह सवाल भी मैंने आपको पढ़ा दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है विक्रम सेठ के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट फड़ से हंड्रेड क्वेश्चन है सौ क्वेश्चन है मैं घरा दूंगा मेरी हेडेक है मगर हाँ पूरे कराने की मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे हो जाए ही क्लास में बार बार का झंझट रखने का नहीं काम करूंगा एक ही क्लास में करा दूंगा जैसे मान लो आधे यहाँ करा दिए आधे वहाँ करा दिए आधे वहाँ करा दिए उससे दिक्कत होती है इसलिए सवा नौ बजे वाली जो क्लास है उसको आज स्किप करके इनको पूरा करा देता हूँ पहले सौ के सौ क्वेश्चन को ताकि एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए चलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनके द्वारा लिखी गई है जिन्होंने भारत में लाल किला पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया है ठीक सवाल का जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया है क्योंकि भारत के सबसे लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं ठीक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू सवाल का सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु मदर मदर इंडिया इंडिया जो किताब थी ना वो किसके द्वारा लिखी गई सरोजनी नायडू जी के द्वारा राजीव गांधी जी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या फिर कैथरीन मेयो के द्वारा जितना मुझे याद है 1931 के आसपास ये किताब आपको लिखी हुई नजर आएगी चलिए हु हैज द बुक मदर इंडिया मदर इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई थी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट फड़ से <coughs> क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी से जवाब दीजिए भाई ये जो मदर इंडिया किताब है मदर इंडिया बुक है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई सरोजी नायडू जी नहीं है राजीव गांधी जी भी नहीं है जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं है सवाल का जवाब है कैथरीन मेयो के द्वारा ये किताब लिखी गई थी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो भला मानो इसमें नरगिस दत्त नहीं दे रखा ऑप्शन में वरना बच्चा पता कैसे दिमाग लगा था कह अच्छा मदर इंडिया मदर इंडिया मतलब नरगिस दत्त टिक करके आगे बढ़ जाओ भाई साहब मतलब लेट नरगिस दत्त जी तो उनके द्वारा लिखी नहीं गई उनके द्वारा मूवी में काम किया गया था मदर इंडिया का रोल उनके द्वारा निभाया गया था मगर किताब किसके द्वारा लिखी गई तो कैथरीन मेओ जी के द्वारा यह किताब लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जीस्ट फॉर माई लाइफ जीस्ट फॉर लाइफ ये जो जीस्ट फॉर लाइफ पुस्तक है इसके लेखक कौन है मार्क ट्विन वर्जीन या वॉल्फ एच जी वेल्स या फिर एमिला जोला क्या रहेगा सवाल का जवाब जीस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है मार्क है, वर्जीनिया है एच जी वेल्स है या फिर इम आ, इमेला जोला क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए क्लास को लाइक कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से जितने विद्यार्थी मौजूद हैं चलिए क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई फटाफट से जल्दी से फटाफट क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जीस्ट फॉर लाइफ ऐसा सवाल है पहली बार सुना होगा नाम भी तुमने सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा एमिल जोला एमिल जोला रहेगा सवाल का जवाब जीस्ट फॉर लाइफ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी एमिल जोला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्लू स्टार अब देखो अगर ये ब्लू स्टार आ गया ना एग्जाम में और मान लीजिए इंदिरा गांधी दे दिया गया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चा पता क्या पढ़ेगा ये वाला नहीं पढ़ेगा कह रहा ब्लू स्टार इंदिरा गांधी उन्नीस जो फिर बाद में जो भी हुआ वो उन्नीस ठीक है बुल्लर खालसा को लेकर जो भी वो सब कुछ घटनाएं थी वो पूरा का पूरा बस इतना ही पड़ेगा कह रहा ब्लू स्टार इंदिरा गांधी जी टिक हो गया कह रहा सर नंबर मिलेगा दो पेपर में बेसिक सवाल आ गया था ब्लू स्टार पूछ लिया गया था ठीक मगर वो पूछ रहा है ब्लू स्टार किताब किसके द्वारा लिखी गई है के एस ब्रार के द्वारा प्रकाश सिंह बादल के द्वारा के पी एस गिल के द्वारा या फिर गुरुचरण सिंह टोहरा के द्वारा ध्यान से पढ़िएगा सवाल क्या पूछा है ठीक अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु इज द द ऑथर ऑफ बुक ब्लू ब्लू स्टार स्टार किसके द्वारा लिखी गई किताब है निम्नलिखित में से किसने ब्लू स्टार नामक किताब लिखी है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से पंद्रह सेकंड का समय बीत गया है सवाल का सही जवाब रहेगा की के एस ब्र के एस ब्राड रहेगा सवाल का सही जवाब ये क्वेश्चन के बहुत चांसेस हैं मैं इतना बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट पूछ सकता है और मैं ये भी बोल सकता हूँ अगर ऑप्शन में इंदिरा गांधी दे दिया उसने तो विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ेगा विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ेगा ब्लू स्टार देने के बाद वो इंदिरा गांधी टिक करके आगे बढ़ जाएगा वो सवाल नहीं पड़ेगा ऑथर पूछ रहा है ऑथर कौन है लिखने वाला के एस ब्राड़ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इक्कीस सवाल आ गया सवाल है हु इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय द नटवर सिंह वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है मतलब कौन सा लेख है जो नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया है माई अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी पैसेज टू इंग्लैंड वन लाइफ इज नॉट इनफ बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नटवर सिंह जी के द्वारा किया गया है लेख वाला बात हो रही है मेरी अवसर अवसरणीय याद है नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवन इंग्लैंड के लिए एक मार्ग एक जीवन पर्याप्त नहीं है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए क्लास को शेयर कीजिए क्लास को लाइक कीजिए फटाफट फड़ से जल्दी से क्योंकि शेयरिंग क्या क्या दर्शाता है 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 केयरिंग केयरिंग हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वाली भाई ठीक सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट फड़ से अच्छे से ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी या फिर डी वन लाइफ इज नॉट इनफ सवाल का जवाब क्या है एक जीवन काफी नहीं है भाई अरे इस जीवन में इतने दुख देख लिए और कितने देखने हैं भाई और कितने जन्म दिलवाओगे सवाल का जवाब क्या है एक जीवन पर्याप्त नहीं है ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब वन लाइफ इज नॉट ऑप्शन नंबर डी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द डिवाइन कॉमेडी निम्नलिखित में से कौन है लेखक डिवाइन कॉमेडी के गोएथे हैं मिल्टन हैं डेंटे हैं या फिर शेक्सपियर हैं डिवाइन कॉमेडी के निम्नलिखित में से कौन है लेखक क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है जवाब देने की कोशिश कीजिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिवाइन कॉमेडी डिवाइन कॉमेडी नामक जो किताब है उसके लेखक कौन है चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है गोए थे मिल्टन डेंटे या फिर शेक्सपियर क्या है सवाल का सही जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई जल्दी से फटाफट से किसके द्वारा किया गया, गया? ये कार्य है किसके द्वारा लिखी गई ये किताब है जो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है डेंटे ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब डेंटे रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहे सी रहेगा सवाल का सही जवाब डिवाइन कॉमेडी डेंटे डी से डिवाइन डी से डेंटे ऐसे भी याद रखोगे तो ठीक हो जाएगा एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक देवदास ये देवदास वाली मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी इससे पहले वाला जो सेशन हुआ था उसमें देवदास आपको पढ़ा दिया था निम्नलिखित में से किसके द्वारा देवदास लेख लिखा गया है बोल दो ऐश्वर्य राय के द्वारा शाहरुख खान जी के लिए लिखा गया या शाहरुख खान जी के द्वारा ऐश्वर्य राय जी की ऐश्वर्य राय जी के लिए लिखा गया या फिर जैकी श्रॉफ जी के द्वारा दोनों के लिए लिखा गया लेख और माधुरी दीक्षित जी के लिए लिखा गया लेख है ध्यान से लगाना पेपर में कहीं शाहरुख खान दे दे और तुम इतना पढ़ो कह रहा देवदास पूछ गया शाहरुख खान जवाब है आगे बढ़ो बस अब आगे बढ़ जाओ गुरु जी ने बोलता कि आगे बढ़ जाना पीछे मुड़ के देखना मत ठीक है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब देवदास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया लेख है इंदिरा गांधी जी मनु जी रविंद्रनाथ टैगोर जी या फिर शरत चंद्र चैटर्जी ऑप्शन नंबर डी चलिए क्या है सवाल का सही जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट फड़ से बहुत बढ़िया सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब रहेगा शरत चंद्र सैटर्जी ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब रहेगा शरद चंद्र चटर्जी ऑप्शन नंबर डी देवदास किसके द्वारा लिखा गया लेख है तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत फेमस है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में इसीलिए मैं भी मेरे बेस्ट कलेक्शन में 150 फिफ्टी क्वेश्चन में इसको एड ऑन किया है एक बार नहीं दो बार ऐड ऑन कर लिया हु रोड द फेमस बुक हु वॉन्ट्स टू बी मिलेनर ये तो हमारे लिए भी होनी चाहिए कि हम भी मिलेनर बनना चाहते हैं ठीक है हु वॉन्ट्स टू बी मिलेनर बस मिलियनर के आगे डॉलर लिखा होना चाहिए तब बात बनेगी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है बताइए भाई ये बताओ तुम्हारे ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं और हमारे ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं कि हु रोड द फेमस बुक हु वॉन्ट्स टू बी आ मिलेनर किसके द्वारा लिखी गई किताब है विक्रम सेठ के द्वारा चेतन भगत जी के द्वारा अगता सृष्टि के द्वारा या फिर इमिल इमिली जोला के द्वारा चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब सर बुक्स आज खत्म कर दोगे क्या हाँ जी मेरा पूरा टारगेट है कि बुक्स आज खत्म कर दूंगा ऑलरेडी पचास पढ़ा चुका हूं सौ पढ़ा के ही दम लूंगा कोशिश मेरी पूरी है दो घंटे से कम तो मैं छोड़ूंगा नहीं क्लास तो मेरी पूरा टारगेट रहेगा कि सौ पढ़ा दू ठीक समय का मैं यार एग्जाम है मदाद थोड़ी चल रहा है क्या है सवाल का सही जवाब सवाल का सवाल सही जवाब है अगता, अगता क्रिस्टी रहेगा सवाल का सही जवाब अगता क्रिस्टी रहेगा सवाल का सही जवाब हु वॉन्ट्स टू बी मिलियन अगता क्रिस्टी रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन द कैस्टल डेथ इन द कैस्टल जो किताब है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है थॉमस मान के द्वारा एच पी नड्डा के द्वारा पर्ल एस बर्क के द्वारा या फिर जॉन गुंटर के द्वारा क्या है सवाल का सही जवाब डेथ इन द कैस्टल के लेखक कौन है क्या है सवाल का सही जवाब थॉमस मान थॉमस मैन एच पी नड्डा पर्ल एस बर्क या फिर जॉन गुंटर चलिए जी दीजिए सवाल का जब जवाब फटाफट फड़ से क्या रहेगा सवाल का सही जवाब हु इज द द द ऑथर ऑफ बुक डेथ इन ये सारी फेमस बुक है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वन लाइनर बुक्स हैं ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी में लिख रहा हूं कि वो गली के कोने पे बैठ के नुक्कड़ में चाय पीते हुए जो व्यक्ति ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी उस लेखक ने पांचवें पन्ने पे क्या लिखा है ये जवाब दीजिए ऐसा तो पूछा नहीं सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन द केस एम में बेसिक सवाल आएगा मैं पूरा शोर मैंने बेसिक भी रखे हैं मॉडरेट भी रखे हैं और हाई लेवल भी रखे हैं तीनों लेवल के क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि मैं NTPC, को भी टारगेट कर रहा हूं यहां पे ठीक क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब रहेगा पॉल पर्ल एस ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब पर्ल एस है सवाल का सही जवाब डेथ इन द केसटल ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टॉम स्क्वेर ये जो टॉम स्वेयर नामक किताब है उसके लेखक कौन है जॉन रस्किन है लियो टोल्सली है मार्क ट्विन है या फिर विलियम शेक्सपियर है तीन तो बहुत फेमस लेखक हैं इसमें से क्या है सवाल का सही जवाब निम्नलिखित में से कौन सी किताब है जो लिखी गई है निम्नलिखित में से कौन सी किसने लिखी है टॉम स्वेयर हु इज़ द ऑथर ऑफ द टॉम स्वेयर जॉन रस्किन ने लियो टोल्सली ने मार्क ट्विन ने या फिर विलियम शेक्सपियर चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है पंद्रह सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है सर बुक्स पढ़ाता कौन है आज के ज़माने में अच्छा क्यों लिखते हैं अरे दुनिया बुक्स पढ़ती हैं हम भी पढ़ते हैं भरी पढ़ी है मेरे पास भी किताबें दुनिया पढ़ती हैं बड़ा मज़ा आता है बुक्स पढ़ने में बस डिपेंड होना चाहिए कि कहानी तुम्हें अच्छी लग रही है अब तुम्हें आज बोल दिया जाए कि जो तुम्हारी आ, चार साल पहले तुम जिस दोस्त को जानते थे उसकी किताब मार्केट में आ रही है उसमें तुम्हारा जिक्र है एक बार तुम्हारा जिक्र है उसमें अगर जिक्र को जिगर भी बोल दिया जाए ना तो तुम भी दो बार खरीद के पढ़ लोगे उसको एक ही किताब को समझ रहे हो तो ऐसे भाई साहब बहुत दिल टूटे हुए आशिक हैं तुम्हारे जैसे जो पढ़ रहे हैं किताबें ऐसी वाली किताबें भी पढ़ी जा रही हैं ठीक है मतलब बुक से बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं बोलूँ तो बहुत नॉलेज बढ़ती है बहुत अमेजिंग लिखने वाला ऑथर बहुत अमेजिंग लिखता है बहुत ही अमेजिंग चीज़ों को लिखा जाता है बहुत पिरो कर जैसे मैंने कश्मीर के ऊपर किताब पढ़ी थी बहुत ज़बरदस्त किताब थी ठीक बहुत मतलब दिल छूने वाली किताब थी मैंने पूरी की पूरी मेट्रो जब ट्रैवल किया ना जब मैं ऑफलाइन था मुखर्जी नगर तो मैं सोचिए पूरे के पूरे रास्ते आते जाते वो किताब ही पढ़ता था, था मैंने पूरी पढ़ डाली वो, वो तो मैं जब मेट्रो में ट्रैवल करता था मैं पंद्रह पंद्रह बीस बुक बुके तो मैंने मेट्रो में पढ़ डाली कि भाई आने में एक घंटा जाने में एक घंटा लग रहा है तो आते टाइम एक घंटा जाते टाइम एक घंटा किताब पढ़ रहे हैं ठीक है बस ये मत बोलना चक्कर नहीं आते थे क्या सवाल का जवाब है मार्क ट्वेन ऑप्शन नंबर सी सवाल का जवाब मार्क ट्वेन है ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है फेमस प्ले मैक बैथ फेमस प्ले मैकबैथ किसके द्वारा लिखा गया है एक प्रसिद्ध नाटक मैकबैथ किसके द्वारा लिखा गया है वो प्रियंका चोपड़ा जी का भी एक नाटक था एक बहुत हॉलीवुड का फेमस नाटक है उस नाटक का नाम बताना जरा ये सवाल पूछा गया ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में 2018 के एग्जाम में सवाल पूछा गया कि प्रियंका चोपड़ी चोपड़ा जी का जो तो फेमस नाटक है उस नाटक का नाम क्या है और मैं लिटरली बोल रहा हूँ मेरा स्टूडेंट पेपर देकर आया था और, और जो बाद में आंसर की आई उसमें भी वो क्वेश्चन था चलिए जवाब दीजिए फेमस प्ले मैक बैथ इज रिटन बाय लियो डॉल्सली विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन या फिर चार्ल्स क्या है सवाल का सही जवाब चलिए जी <coughs> क्या रहेगा सवाल का सही जवाब किसके द्वारा लिखा गया है ये फेमस वर्क जो आपके सामने है मैक बैथ वो किसके द्वारा लिखा गया है सवाल का सही जवाब रहेगा विलियम शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब विलियम शेक्सपियर है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय टैगोर निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध किताब रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध किताब है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है रक्ताकार बी चिदम्बरा आनंद मठ या फिर दुर्गेश नंदिनी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब दीजिए चलिए निम्नलिखित में से कौन सी फेमस बुक रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है रक्ताकार भी चिदम्बरा आनंद मठ या फिर दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ वाला सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया था अगर आपको याद होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अगर आप आनंद मठ लगाएंगे तो दिक्कत होगी जी दयाल राव आ... दयाल राउत जी दिक्कत होगी सर अगर आप आनंद मठ लगाएंगे तो डिजिटल आ... राणा जी अगर आनंद मठ लगाएंगे तो सर दिक्कत रहेगी रोहित गुप्ता जी अगर आनंद मठ लगाएंगे तो दिक्कत रहेगी सर ये लिखी गई है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा सवाल का जवाब है रक्ताकार भी सवाल का जवाब है रक्ता कार भी। बस रट्टा कर भी मत पड़ कर भी बताया था प्रॉब्लम तो रट्टा। रट्टा नहीं ने सवाल का जवाब रहेगा रविंद्र नाथ टैगोर सवाल का जवाब है रक्ता कार्बी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सवाल है फेम हु ऑथर ऑफ द बुक कमाइनी ये जो एक बुक है बुक का नाम है कमाइनी पुस्तक के लेखक कौन है राजा राव प्रेमचंद मुल्क राज आनंद या फिर जयशंकर प्रसाद हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कमायनी कमाइनी नामक जो किताब है उसके लेखक कौन है चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है किसी को पहचानते हैं तो जवाब दीजिए भाई फटाफट से और क्लास को लाइक कर दीजिए भाई फटाफट से और शेयर वेयर कर दीजिए पूरी क्लास लेने का मूड बना के आया करो अगर क्लास दो घंटे चल रही है तो दो घंटे पढ़ो क्लास एक घंटे चल रही है तो एक घंटे पढ़ो ये थोड़ी है कि भाई आधे घंटे पढ़ के निकल ले रहे हमें तो आधे घंटे में काम बन गया हमारा फिर हमें क्या करना है आगे ठीक है आ, कमाई नहीं ये करंट अफेयर का मेरे हिसाब से सवाल है सवाल का जवाब क्या है जयशंकर प्रसाद रहेगा सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का जवाब नहीं पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब पर्सनली बोल रहा हूँ कि डेढ़ सौ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है दो सौ क्वेश्चन मैंने स्पोर्ट्स के कराने थे जिसमें से मैंने डेढ़ सौ ऑलरेडी करवा दिए हैं पचास बचे हैं वो भी मैं करा दूंगा मतलब दो दिन में मैं दो टॉपिक निपटा चुका हूँ पूरे के पूरे आज निमट जाएगा टॉपिक है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर का क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर द महात्मा इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर द महात्मा मेरे ख्याल से ये ये क्वेश्चन ई के एग्जाम में पूछा गया है पाल की वाला, अमृता आर के नारायण या फिर मनोहर माल गोंकर, ये एग्जाम में द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर द महात्मा किसके द्वारा लिखी गई किताब है एन ए पालकी वाला के द्वारा अमृता प्रीतम के द्वारा आर के नारायण के द्वारा या फिर मनोहर गोंकर के द्वारा चलिए पंद्रह सेकेंड का समय है आपके पास चलिए पंद्रह सेकंड का समय है फिफ्टीन सेकंड का समय है आपके पास जवाब देने की कोशिश कीजिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर महात्मा वेटिंग फॉर महात्मा किसके द्वारा लिखी गई किताब है <coughs> बहुत बढ़िया जी सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा आर के नारायण ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब आर के नारायण रहेगा इस सवाल का सही जवाब ठीक ध्यान से देख लेना वेटिंग फॉर द महात्मा किसके द्वारा लिखी गई किताब है आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई किताब है वेटिंग फॉर द महात्मा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है हु आर द लिटिल पीपल ऑफ रॉक्स हु मोगली यूजिस अगेंस्ट द रेड डॉग द लिटिल पीपल ऑफ द रॉक्स कौन है जिन्हें मोगली रेड डॉग्स के खिलाफ इस्तेमाल करता था हु आर द लिटिल पीपल ऑफ द रॉक्स हु मोगलीस हु मोगली यूजिस अगेंस्ट द रेड डॉग्स स्नेक्स बीस अ काइंड ऑफ इंडियन फेरी या फिर अ नेबरिंग बोल्फ क्या है ये पूछ रहा है वो हु आर द लिटिल पीपल ऑफ रॉक्स हु मोगली यूजिस अगेंस्ट द रेड डॉग बताइए स्नेक बीस अ काइंड ऑफ इंडियन फेरी या फिर अ नेबरिंग बोल्फ पैक क्या है सवाल का सही जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई हु आर द लिटिल पीपल ऑफ रॉक्स हु मोगली यूजेस अगेंस्ट द रेड डॉग्स स्टेटमेंट के तौर पे अगर मान लीजिए पूछा गया है, सवाल तो जवाब दीजिए और आप मुझसे पूछोगे ना सर क्यों कितना मुश्किल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो ये तो सर चौवन सो चो ग्रेड का है ये तो सर यूपीएससी का है तो कंटेंट यूपीएससी का हो गया हम तो दे पाएंगे जवाब अरे भाई ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है बेसिक्स बात कर रहा है अरे मधुमक्खियों की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर बी है, है।, जंगल -जंगल है चड्डी पहन के फूल खिला तो होगी ठीक सवाल का जवाब है बीज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है द ऑथर ऑफ थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ द पॉवर बताइए भाई थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ द पॉवर के लेखक कौन है किरण बेदी जी हैं पी सी एलेक्जेंडर हैं जे एन दीक्षित हैं या फिर टी एन शेशन है जितना मुझे याद है टी एन शेशन जी का तो निधन हो गया ठीक टी एन शेशन कौन हुआ करते थे टी एन शेशन हुआ करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्नीस की बात है जिन्होंने भारत में वोटर आई कार्ड लॉन्च करवाया था इन्हीं के टाइम पर वोटिंग एज अठारह इक्कीस से घटाकर कर अट्ठारह कर दी गई थी ठीक है एग्जाम में मान लीजिए सवाल आ जाए किसके कार्यकाल में वोटिंग आईडी कार्ड शुरू करवाया गया तो टी एन शेषन के कार्यकाल गार में कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर गाना गा? सुना था वो जंगल जंगल बात चली है पता चला है क्या है सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब है पी एस एलेक्र ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब ध्यान से पढ़ लीजिए द ऑथर ऑफ द थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर किसकी है तो किसकी किताब है पी एस पी सी एलेक्जेंडर की ये किताब है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेग्ड ट्रैंगल ये जो नेग्ड ट्राएंगल बुक है ना वो किसके द्वारा लिखी गई किताब है ये आपको पढ़ाया है मैंने पाँच बजे शायद आर के नारायण के द्वारा अमृता प्रीतम के द्वारा बलवंत गार्गी के द्वारा या फिर खुशवंत सिंह के द्वारा नेग्ड ट्रैंगल किसके द्वारा किसके द्वारा रची गई रचना है किताब है ऑप्शन है आर के नारायण अमृता प्रीतम बलवंत गार्गी या फिर खुशवंत सिंह क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जवाब दीजिए भाई सवाल आपकी स्क्रीन पर है चलिए जी फटाफट फड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप जाएंगे तो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप नॉर्मली ही लेंगे किसी चीज जीज़ को तो भाई वो नॉर्मल रहेगा सवाल का सही जवाब क्या रहेगा आर के नारायण बहुत बढ़िया नेक ट्रायंगल किसके द्वारा की गई रचना है तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा बलवंत गार्गी ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा सवाल का सही जवाब बलवंत गार मिल जाएगा सवाल का सही जवाब नेक ट्रायंगल बाय बलवंत गार इतनी सारी किताबें पढ़ के तो देखिए एक बार कोई भी पढ़कर देख लीजिए बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में ठीक जब मैं मतलब इंग्लिश इंग्लिश वाली तैयारी करनी होती थी ना तो मैं नॉवल्स को फॉलो करता था मैंने फॉलो किया है नॉवल्स को उसमें से इंग्लिश छाटता था बेहतर करने की कोशिश करता था बहुत मेहनत करी है यार पढ़ाई में मतलब ऐसा नहीं है कि रात को हम उठे एक दिन सपने में दिख गया पढ़ाई कर रहे हैं तो अगले दिन दो घंटे पढ़ाई करके लगेगा और बहुत तीर मार दिया आज ठीक है बुक लाइट दैट फेल्ड वॉज रिटर्न बाय लाइट लाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है के द्वारा अमृता प्रीतम के 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 द्वारा, द्वारा द्वारा जॉन रस्किन या फिर किपलिंग क्या है सवाल का सही जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट फड़ से जल्दी से द बुक लाइट दैट फेल्ड वॉज रिटन बाय टी एस एल्यूट के द्वारा अमृता प्रीतम के द्वारा जॉन रस्किन के द्वारा या फिर रुद्र किपलिंग के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब अच्छा चश्मे के लेंस ब्लू शाइन करते हैं वो आ, रिफ्लेक्ट ना करें ना आइस के अंदर वो वाले लेंस हैं मगर ज्यादा कॉस्टली नहीं है सस्ते ही हैं मगर अब चश्मे का नंबर बढ़ गया है बहुत बढ़ गया अब तो ये तो शायद पॉइंट फाइव के आसपास हैं दोनों और अभी एक वन हो गया और एक वन से थोड़ा प्लस हो गया है बनवाने थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जैसे ही सॉल्व होती है बनवाता हूँ चश्मा भी बनवाना ही पड़ेगा मतलब फ्रेम तो दूसरा वाला भी है मेरे पास उसमें ही डलवा लूंगा लेंस मगर लेंस डलवाने पड़ेंगे क्योंकि मैं रोशनी की तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ आजकल जैसे रोशनी की तरफ देखता हूँ तो मेरी आंखों में पेन होता है नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सवाल का जवाब है रुदियाड सवाल का जवाब है रुदियाड कपलिंग किपलिंग ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है द क्रिएटर शेरलॉक होम्स ये तो बहुत बार सुना होगा भाई शेरलॉक होम्स के बारे में शेरलॉक होम्स किसके द्वारा रचा गया है डॉल के द्वारा इन फ्लैमिंग के द्वारा डॉक्टर वॉटसन के द्वारा या शेक्सपियर के द्वारा शेरॉक होम्स के निर्माता कौन थे बताइए भाई कैनन डॉल ई एन डॉक्टर वॉटसन या फिर शेक्सपियर ये तो पढ़ा होगा चलिए <coughs> बहुत बढ़िया जी चलिए शेरलॉक होम्स के ग्रेटर कौन है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है जवाब देने की कोशिश कीजिए बहुत अच्छे बहुत अमेजिंग क्वेश्चन हैं मतलब बहुत गजब सवाल हैं अगर ऐसी कलेक्शन आपको एक साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा जैसा है बस डिपेंड कैसा करता है कि आप कितना बेहतर ढंग से उसे एक्सेप्ट करते हैं कितनी बेहतर ढंग से उसे टेक करते हैं शैलो कॉम्स किसके द्वारा क्रिएट किया गया क्रिएटर कौन है तो आर्थुर कैनन डॉयल रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द अष्ट दायनी अष्टदाई जो रहेगा अष्टदाई के लेखक कौन है अष्टदाई के लेखक कौन, है? सुमित्रा, कौन है? सुमित्रा नंदन राज आनंद पन्नी या फिर गीता पिरामल क्या रहेगा सवाल का सवाब अष्टदाई जो रहेगा या अष्टदाई जो रहेगा उसके लेखक कौन है नंदन राज आनंद पणनी या फिर गीता परिमल क्या है सवाल का सही जवाब चलिए हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स एडिक जी की सभी से संबंधित आपको पॉइंट्स फैक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे बस आपको कुछ नहीं करना आपको इनको नोट डाउन करना है अगर नोट डाउन नहीं कर सकते हो तो आपको लंबे समय तक सवालों को लिख कर रखना है बनाए रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पेपरों में बनने ही वाले हैं अष्टदायिनी के कौन मिलेंगे पंडनी मिल जाएंगे अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री बेस्ड सवाल है बहुत बार बना है ये वाला सवाल पंचतंत्र वाला ये सवाल बहुत बार बने हैं ठीक है मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है मालविका अग्निमित्रम मालविका का अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है बताइए भाई जल्दी से कमेंट करके फटाफट नाम आपने सुन ही लिया होगा पूरा का पूरा मालविका का अग्निमित्रम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है द बुक द प्लेयर्स ऑफ द पास्ट हैज रिटन बाय द बुक ऑफ द प्लेयर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है डेविड कैंडीना के द्वारा एम एन श्रीनिवास के द्वारा के अब्बास के द्वारा या फिर खुशवंत सिंह के द्वारा द बुक द प्लेयर्स ऑफ द पास्ट हैज बिन रिटन बाय बुक का नाम यहाँ तक है द प्लेयर ऑफ द पास्ट बुक का नाम है द प्लेयर ऑफ द पास्ट किसके द्वारा लिखी गई किसके द्वारा रची गई रचना है प्लेयर ऑफ द पास्ट चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट बताइए भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई हु हु द द रिटन द प्लेयर्स ऑफ द पास्ट डेविड कैडिना एम एन श्रीनिवास के ए अब्बास या फिर खुशवंत सिंह क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब रहेगा डेविड कैंडीना सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब रहेगा डेविड कैंडीना ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है हु हैज़ वॉन द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हर बुक यामा यामा हाँ नहीं लिखा हुआ कहीं बाइक चला दो अभी यहीं पे कि यामा हाँ भी पढ़ा रहे हो सर आप यामहा भी बुक है सर देखो सवाल कितना जबरदस्त है मैंने बताया सबसे बड़ा जो लिटरेच लिटरेचर में दिया जाने वाला पुरस्कार है भारत के अंदर वो कौन सा है ज्ञानपीठ पुरस्कार है अब सवाल देखो यहाँ पे क्या है कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया जिसने यामा करके किताब लिखी हु किसने अपनी पुस्तक यामा के लिए ये यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता चलिए भाई आ, महेश्वरी देवी आशा पूर्णा देवी अमृता प्रीतम या फिर महादेवी वर्मा क्या है सवाल का सही जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट फड़ से बहुत बढ़िया बहुत ज़बरदस्त भाई जबरदस्त सवाल के जवाब दे रहे हो क्या बात है आस लग रहा है भाई साहब जोश में हो सभी के सभी विद्यार्थी आज खरे आज लाहौल में आए हैं आज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और मुझे तोड़ने की कोशिश मत करना कहीं भाई जब तुम लोग तब तक तोड़ेंगे नहीं तक तो छोड़ेंगे तो नहीं सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का सही जवाब किसके द्वारा जिन्होंने ये यामा लिखा ना उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनका नाम क्या है महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब बहुत क्लासिक क्वेश्चन है बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक न्यू इंडिया न्यू इंडिया के लेखक कौन है मनिक बंदोपाध्याय एनी बेसेंट जॉन मिल्टन या फिर नन ऑफ दिस किसके द्वारा किताब लिखी गई है किताब का नाम है न्यू इंडिया चलिए महादेवी वर्मा बहुत बढ़िया जी चलिए किसके द्वारा किताब लिखी गई है न्यू इंडिया ये न्यू इंडिया नामक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है मानिक बंदोपाध्याय एनी बेसेंट जी जॉन मिल्टन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस या फिर नन ऑफ द अब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब दीजिए भाई महादेवी वर्मा ने सर बहुत बढ़िया जी चलिए क्या है सवाल का सही जवाब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से जवाब देकर फटाफट फड़ से धुआं उड़ा दीजिए भाई साहब हैनी बहुत बढ़िया सवाल का जवाब वो है जो भारत में पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट बनने वाली अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी भारतीय महिला नहीं थी पहली महिला थी 1917 में बनी थी ठीक है जी ध्यान रखना सवाल ये भी पूछा गया एग्जाम में बहुत बार और इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई न्यू इंडिया ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बहुत सारे चांसेस बनेंगे न्यू इंडिया एनी बेसेंट न्यू इंडिया एनी बेसेंट होम रूल लीग होम रूल लीग एनी बेसेंट होम रूल लीग एनी बेसेंट न्यू इंडिया एनी बेसेंट बस इतना सा अगर दिमाग लगा लोगे तो काम चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है द बुक सेटनिक वर्सेज वॉस रिटन बाय ये जो पुस्तक है सेटनिक वर्सेज किसके द्वारा लिखी गई किताब है गुन्नार ब्रिडिल के द्वारा विलियम गोल्डिंग के द्वारा सलमान रुशदी के द्वारा या फिर अगता क्रिस्टी के द्वारा चलिए द बुक वर्सी, वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई किताब है कौन है इस किताब के ऑथर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है डीजे भाई जवाब चालीसवें नंबर के सवाल की तरफ हम बढ़ गए हैं नंबर के सवाल की तरफ हम बढ़ गए हैं ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सवाल का जवाब वो है सर जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है सलमान सलमान रुजदे जी इस सवाल का जवाब वो है जो एक बहुत फेमस पर्सनलिटी है सवाल का जवाब है सलमान रुज दी जो मैं गारंटी दे रहा हूँ विद्यार्थी पहले यही काटेगा ऑप्शन में कह रहा अंग्रेजी सी किताब सी लग रही है कह रहा ये सलमान रुजी तो होंगे नहीं कह रहा विलियम गोल्डिंग लग रहे हैं कह रहा क्योंकि गोल्डिंग गोल्डिंग आ रहा है इनके नाम में कह रहा गोल्ड।, गोल्ड गोल्ड मतलब अमेरिका अमेरिका इससे बिलोंग करते होंगे यही सवाल का जवाब है विलियम गोल्डिंग मगर ध्यान रखना ये जो सैटनिक वर्सेज किताब है किसके द्वारा लिखी गई है सलमान रुशदी के द्वारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे चांसेस बनेंगे एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाए सवाल ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है सवाल है हु रोड द बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पेस ये बहुत बार पूछा गया है भाई ये सवाल इतनी बार पूछा गया है जितनी बार आप एग्जाम में नहीं बैठे हो ठीक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीस किसके द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई किताब है एलेक्जेंडर फ्लाविंग के द्वारा लुइस पास्र के द्वारा चार्ल्स डाविंग के द्वारा या फिर स्टीफन हॉकिंस के द्वारा चलिए या फिर स्टीफन के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से जवाब दीजिए भाई फटाफट फड़ से hmm. क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई किताब है चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार आया है अगर वो एक सिंपल क्वेश्चन डालना होता है ना पेपर में तो यही डाल देता है आज भी okay, यही डाल देता है आज भी क्वेश्चन वो ऑफ किसके द्वारा चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब फोर्टी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है नीला चांद विच वॉर्न इज रिटर्न बाय क्या बात है भाई साहब तुम्हारी वाली किताबें भी आ रही हैं तुम तो गली में चार पाँच चांद निकल रहे हैं तुम्हारे तो तुम. ऐसा कर रखा है कह रहा चांद तो एक हाँ पांच निकल रहे हैं कह रहा चाइना ने एक चांद बनाया कह रहा हमने तो पांच चांद गली में ही बना रखे हैं कह रहा जो दूसरा मकान छोड़ के चौथा मकान पड़ेगा उसमें भी चांद ही है ठीक है बेटा गहना आएगा थोड़े दिनों बाद तुम्हारे चांद सिफारिश करता तुम्हारी और बताता तुम्हें पिटने से तो बता ठीक चलिए जो नीना चांद नामक किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है जिसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था उन्नीस सौ बानवे में नाइनटीन नाइनटी टू में शिव प्रसाद सिंह सुभाष मुको मुकोपाध्याय रामविलास शर्मा या फिर रामाकांत रथ जी चलिए भाई सवाल का जवाब दीजिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है फोर्टी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फटाफट से जवाब दीजिए नीला चांद जी किसके द्वारा लिखा गया नीला चांद किसके द्वारा लिखा गया है नीला चांद क्या रहेगा सवाल का सही जवाब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा शिव प्रसाद सिंह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चांसेस बनते हैं हंसी मजाक जोक सपाट अपनी तरफ है मगर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत रेलिवेंट कंटेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सवाल का जवाब है शिव प्रसाद सिंह नीला चांद क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द कॉमनिस्ट मैनिफेस्टो द कॉमनिस्ट मैनिफेस्टो अलॉन्ग विथ कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ द कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था द कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया कार्ल मार्क्स के साथ किसके द्वारा दो लोग हो गए ना एक तो कार्ल मार्क्स हो गए और एक और कौन था जिनके द्वारा लिखा गया द कॉम्युनोस्ट द कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो वो होता है इलेक्शन से पहले जो जारी किया जाता है ना कि भाई हम ये वादा करते हैं ये वादा करते हैं वो वादा दो मैनिफेस्टो बताइए भाई फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा इमाइल डर्किम के द्वारा रॉबर्ट ऑन के द्वारा या फिर मैक्स वेबर्स के द्वारा क्या है सवाल का सही जवाब जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब दीजिए भाई द कॉमनिस्ट मैनिफेस्टो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है सवाल का सही जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक एंगल्स रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस सवाल का सही जवाब फ्रेडरिक एंगल्स रहेगा इस सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक अ फेयरवेल टू आर्म्स वॉज रिटर्न बाय एक किताब है किताब का नाम है फेयरवेल्स टू आर्म्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है चार्ल्स डिंकिन के द्वारा अर्नेस्ट हैमिंग वे के द्वारा थॉमस हार्डी के द्वारा या फिर हक्स ले के द्वारा द बुक अ फेयरवेल टू आर्म्स अ फेयरवेल टू आर्म्स किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब है चार्ल्स डाकिस के द्वारा अर्नेस्ट हैमिंगे के द्वारा थॉमस हार्डी के द्वारा या फिर हक्सले के द्वारा क्या है सवाल का सही जवाब चलिए भाई जल्दी जवाब दीजिए 44 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया चौवालीसवें नंबर का सवाल आधी यात्रा हमने पूरी कर ली है आधी यात्रा अभी बाकी है आधी यात्रा अभी और जोशो खरोश के साथ हमें लड़नी पड़ेगी आधी और बची हुई यात्रा चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब रहेगा और नस्ट हैमिंग वे रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अ बुक अ फेयरवेल टू आर्म्स अ बुक अ फेयरवेल टू आर्म्स किसके द्वारा अर्नेस्ट हैमिंग वे के द्वारा लिखी गई है एक प्रसिद्ध किताब है ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है सवाल है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है क्या बात है भाई साहब तुम्हारी वाली किताब आ गई फटाफट से चलिए पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है इसमें तो भीड़ भीड़ में धक्का मुक्की हो जाए इस किताब के लिए तो कि भाई हम देंगे इसका जवाब तो इसका जवाब कोई नहीं देगा हमारे अलावा वो जो कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा वैसे चलिए रोड ओरिजिनल पंचतंत्र ओरिजिनल जो पंचतंत्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा कालिदास जी के द्वारा तुलसीदास जी के द्वारा या फिर समुद्र गुप्त जी के द्वारा क्या है सवाल का सही जवाब चलिए एक आधा क्वेश्चन रिपीट होना जरूरी भी है भाई सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब विष्णु शर्मा है ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब जो मूल पंचतंत्र है ओरिजिनल पंचतंत्र थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी विष्णु शर्मा जी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत चलिए भाई जो महाभारत है उसका ओरिजिनल नेम क्या था महाभारत का मूल नाम क्या था कथा सरित सागर जय वरत कथा या फिर राज रजत बताइए भाई रजत रंगनी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब कथा सरित सागर जय समिता वरत कथा या फिर रजा रजत रंगनी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट फड़ से अच्छा सवाल है स्क्रीन पर महाभारत का असली नाम क्या था वट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत चलिए पंचतंत्र इज द बेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बहुत बढ़िया जी बेताल जी वाली कहानियों को सुनने का दिल कर रहा है लग रहा है चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब बहुत बढ़िया सवाल का जवाब क्या रहेगा जय संविदा रहेगा सवाल का सही जवाब बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट बिल्कुल बेसिक सवाल है रेलिवेंट सवाल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सवाल का जवाब है जय संविदा ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब अगला सवाल है द सेलिब्रेटेड नॉवल द गॉड फादर वॉज ऑथर्ड बाय ये जो किताब है गॉड फादर वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है ऑप्शन है हेरोल्ड रॉबिन्स के द्वारा जॉन मिल्टन के द्वारा विक्टर ह्यूगो के द्वारा या फिर मारियो प्यूज़ो के द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है हैरोल्ड रोबिन्स के द्वारा जॉन बिल्टन के द्वारा विक्टर ह्यूगो के द्वारा या फिर मारियो प्यूजो के द्वारा गॉड फादर ये सवाल पूछा गया है भाई CGL में, ठीक सीजीएल के अलावा और भी बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है ठीक चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट से जवाब दीजिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है द सेलिब्रेटेड नॉवल द गॉड फादर बॉस ऑथर्ड बाय हैरोल्ड रॉबिन्स जॉन मिल्टन विक्टर ह्यूगो या फिर मैरियो प्यूजो किसके द्वारा लिखा गया है भैया ये गॉड फादर हाँ जी रजानामा भी बोला जाता है मगर वो पर्शियन में कन्वर्ट की गई थी ना वो आपको याद होगा अकबर के टाइम पे पढ़ाया इसके बारे में हिस्ट्री में मैंने सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है मैरियो प्यूजो सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है मारियो प्यूजो ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है सेलिब्रेटेड है तो मारियो प्यूजो के द्वारा इसे ऑथर किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है द ऑथर ऑफ द नावल ब्लूएस्ट आई एक ब्लूएस्ट आई करके नॉवल है किसके द्वारा लिखा गया नॉवल है मिस तलीमा नसरीन के द्वारा मिस टोनी मॉरिसन के द्वारा मिस ममता बैनर्जी के द्वारा या फिर मिस कमला कुमारी जी के द्वारा नॉवल है ब्लूएस्ट आई ये जो ब्लूएस्ट आई है वो किसके द्वारा लिखी गई एक नॉवल है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है पंद्रह सेकंड का समय आपको मिल रहा है सवाल का जवाब देने के लिए जवाब दीजिए फटाफट फड़ से दो की बुक है मेरे पास तो दीजिए भी गिफ्ट कीजिए थोड़े दिनों के लिए हम भी पढ़ पुढ़ के वापस कर देंगे आपको फिर क्या रहेगा सवाल का सही जवाब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है चलिए भाई जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से धुआंधार तरीके से क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है द ऑथर ऑफ द नॉवल ब्लूएस्ट आई किसके द्वारा ममता बनर्जी लगा दूं क्या क्योंकि आप एक ही दो नाम से परिचित हैं जिस नाम से आप परिचित हैं उन्हें लगाकर आगे बढ़ जाइए मगर सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है टोनी मॉरिसन सवाल का जवाब क्या है टोनी मॉरिसन ही लगा देना वो मत लगा देना टोनी स्टार्क कहीं टोनी स्टार्क लगा दो पेपर में कि टोनी स्टार्क ने अपनी बिल्डिंग के ऊपर बैठ के वो वाला सूट पहन के किताब लिखी थी किताब का नाम है ब्लूएस्ट आई कह रहा लग रहा है एलियन से संबंधित है ठीक

रविंद्र नाथ टैगोर जी बिलोंग करते थे बंगाल से ठीक है ये नाम जो लग रहा है ये और ललिता जो नाम लग रहा है कह रहा है ये बंगाली नाम लग रहा है कह रहा क्योंकि वो बाबू मुशाह ऐसे बोलते थे कह रहा लॉलिता कह रहा है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है चाहे छुपके लिखी गई होगी ये कह रहा मगर ये लेख रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है मैं शोर हूँ इस बात पर कोई शोर हो ना हो ठीक है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए जी जवाब दीजिए फटाफट से ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी या फिर डी सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सी है भाई सी ठीक सवाल का सही जवाब क्या है सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी व्ला कोव है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल लीज मिजरेबल ये जो लीज मिजरेबल किताब है ना उपन्यास है ये जो नॉवल है किसके द्वारा लिखा गया है लीज मिसरेबल विक्टर ह्यूगो के द्वारा एल्विन टॉफलर के द्वारा जी वाइने के द्वारा या फिर फेडरिक के द्वारा चलिए भाई लीज मिजरेबल ये लीज मिजरेबल किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है लेख है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट फड़ से अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मतलब पचास आदि आधी अर्धशतक पे पहुंच गए हैं भाई हम ठीक है अर्धशतक पे पहुंच गए हैं हाफ सेंचुरी हो गई है हाफ सेंचुरी कम से कम डेढ़ सौ लाइक तक तो पहुंचा दो फटाफट और सेंचुरी पे तो रख लो बच्चे निन्यानवे को तो मत करो सौ पे रखो भाई साहब सेंचुरी पे रखो बच्चे कम मत करो सेंचुरी से कम हो गए फिर देखो मैं भी कम कर दूंगा क्वेश्चन सीधा सा बोल रहा हूँ भाई मैं भी ठीक क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब है विक्टर ह्यूगो सवाल का सही जवाब है विक्टर ह्यूगो हाफ शतक हो गई है आधी सेंचुरी हो गई है आधी सेंचुरी बाकी है शुरू करते हैं फटाफट से एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है धुआंधार तरीके से लाइट जलाकर और दिमाग की बत्तियां बुझाकर कर सवाल का जवाब है गीता गोविंद इज रिटन जो गीता गोविंद है उसको किसके द्वारा लिखा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा जया देव जी के द्वारा तुलसीदास जी के द्वारा या फिर शरण गुप्ता जी के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से सवाल आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट चलिए बहुत बढ़िया बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब रहेगा जयदेव ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब जयदेव रहेगा सवाल का सही जवाब ध्यान रखना भाई बहुत सारे चांसेज हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए सवाल ठीक बहुत सारे चांसेज हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए सवाल चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है बावनवा नंबर का सवाल है एट लाइफ इज अ बुक रिटन बाय ये जो एट लाइफ या फिर आठ जीवन जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है बस ये मत बोल देना कि सात खून माफ प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा जिसमें अभिनेत्री थी प्रियंका चोपड़ा जी सात खून माफ वो हमें तो हमें तो वही याद है बस केवल ठीक है पर सवाल है एट लाइव इज अ बुक रिटन बाय ये जो आठ जीवन किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है एट लाइफ चलिए भाई और एट लाइव लिखा एट वाइफ नहीं लिखा ठीक है कहीं लाइफ की जगह वाइफ पढ़ाओ पेपर में ही लग रहा है? रहा वाइफ पूछ हमसे ये ठीक समझदारी में तो वैसे ही आप लोगों ने टॉप किया है भाई वो भी ऊपर से टॉप किया है एट लाइव किसके द्वारा लिखी गई किताब है एट लाइफ्स एट वाइफ नहीं है एट लाइव लिखा है बार बार बोल रहा हूं सवाल का जवाब है राजा राम मोहन गांधी और राजा राम मोहन रॉय मत टिक कर देना पेपर में सवाल का जवाब क्या लिखा है सवाल का जवाब लिखा है राजा राम मोहन गांधी राजा मोहन गांधी लिखा है राम तो लिखा ही नहीं है जी राजा मोहन गांधी लिखा है ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब एट लाइव्स किसके द्वारा लिखी गई किताब है पुस्तक है तो राजा राम मो... राजा मोहन गांधी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया चलिए भाई ये जो अनहैप्पी इंडिया नामक किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई किताब है, है चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है, है।, कित है? अनहैप्पी इंडिया अब तुम्हारी हैप्पीनेस तो भाई फिर अलग ही है तुम्हारे ऊपर तो दो किताब बनेंगी ठीक है एक तुम्हारी अनहैप्पी भी बनेगी और एक और अनहेप्पी बननी चाहिए फिर किताब चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनहैप्पी इंडिया को लिखा गया विक्रम सेठ के द्वारा लाला लाजपत रॉय के द्वारा चेतन भगत जी के द्वारा या फिर नन ऑफ दीस क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत रॉय के द्वारा ये आप जानते होंगे लाठीचार्ज के बाद इनकी डेथ हो गई थी ठेक ये वाली बात आपने पढ़ी होगी अच्छे से कहानी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है वैसे मैंने नाइनटीन वाली उन्नीस वाली पॉलिटी में अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ने, नेक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑफ आर ड्रीम्स इज अ बुक रिटर्न बाय इंडिया ऑफ आर ड्रीम्स मतलब हमारे सपनों का भारत किसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा एम वी कामत के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या फिर डॉक्टर सी सुब्रमण्यम के द्वारा चलिए चौवनवे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सेंचुरी से नीचे बताइए और भाई हाथ जोड़कर विनती है सेंचुरी बनाए रखिए अंत तक सेंचुरी बनाए रखिए ताकि फिर सेंचुरी वाले सवाल भी आपके पूरे हो जाए चलिए इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स किसके द्वारा लिखा गया ये एक लेख है इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स किसके द्वारा लिखा गया एक लेख है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा मतलब बुक है एम कामत के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या फिर डॉक्टर सी सुब्रमण्यम के द्वारा सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा एम वी कामत के द्वारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इंडिया ऑफ आर ड्रीम्स किसके द्वारा लिखी गई किताब है एम वी कामत के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सवाल है द फेमस बुक अन्ना कैरिनिया अन्ना कैर कैरनी अन्ना कैरनी किसके द्वारा लिखी गई किताब है बस करीना मत पढ़ लेना इसे पेपर में वो प्रेगनेंसी ऑफ करीना वो अलग किताब है ठीक है ना जो बहुत ज्यादा विवादों में रही है तो ये अन्ना कैरनीना पढ़ना करीना मत पढ़ जा इसे पेपर में कहीं साथ फिर ऑप्शन में टिक कर दो तो सैफ अली खान ठीक है तैमूर की मम्मी तुम्हारा भरोसा नहीं है कोई किसके द्वारा प्रसिद्ध एक पुस्तक है अन्ना कैरनीना बताइए भाई ऑप्शन है बोरिस पेस्ट्रोनेक विक्टर ह्यूगो लिवाइस कैरोल या फिर लियो टोल्स क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए कहीं पेपर में लगाया हो तो वो तैमूर की मम्मी और सैफली खान जी की वाइफ करीना कपूर जी चलिए बहुत बढ़िया अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जवाब देने की कोशिश कीजिए अन्ना क्यार्नीन, अन्ना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई सारी बुके हो जाएंगी तुम्हारी सौ की सौ किताबें करा कर ही जाऊंगा आज बॉरिस पैसमिक विक्टर ह्यूगो ल्यूस कैरोल या फिर लियो टोल्सले क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी लियो टॉल्स्टॉय रहेगा सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिपेयरिंग फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी उसके लिए तो, तो तुम पहले बचपन में ही प्रिपेयर हो गए थे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के लिए कि कैसा तुम्हें दिखना है ठीक है और कितनी रील तुम्हें बनानी है प्रिपेयरिंग फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है लैरी कॉलेंस वी एस नेपॉल वी आर कृष्णन अय्यर या फिर पॉल कैनेडी क्या है सवाल का सही जवाब प्रिपेयरिंग फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इक्कीसवीं सदी के लिए आप तो तैयार हैं, आप तो पहले से ही तैयार हैं, रेडी बिल्कुल रेडी हैं आप तो चलिए किसके द्वारा लिखी गई किताब है भाई क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है फटाफट -फड़ जवाब दीजिए जल्दी से चलिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिपेयरिंग फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी लैरिकॉलेंस वी एस नैपोल वी आर कृष्ण नैयर या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का सही जवाब पॉल कैनेडी बहुत बढ़िया सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब रहेगा पॉल कैनेडी ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का जवाब पॉल कैनेडी रहेगा इस सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द जजमेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्लियर ये जो द जजमेंट है ना ये किसके द्वारा लिखी गई है एक पुस्तक है एक लेख है कौन है इसका लेखक एक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक द जजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है द जजमेंट एंटोनियो द्वारा एमटीनियो मैक्रेन से द्वारा कुलदीप के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए ना जी ना ऐसे कोई शौक हमने ना पाले ऐसे हमने कोई शौक नहीं पाले सर हमने एक ही शौक पाला किताबों का पहली मोहब्बत भी किताबों से थी सर और सर अंतिम मोहब्बत भी किताबों से ही होगी ठीक चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी या फिर डी चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब रहेगा कुलदीप नायर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है द जजमेंट किसके द्वारा लिखी गई किताब है एक फेमस कुलदीप नायर के द्वारा ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स फ्रीडम बिहाइंड बार्स निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है किरण बेदी की जवाहरलाल नेहरू की शेख अब्दुल्ला की या फिर नेल्सन मंडेला की यह किताब इतनी बार एग्जाम में पूछी गई होगी ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है चलिए फ्रीडम बिहाइंड बार्स किसके द्वारा लिखी गई है प्रसिद्ध किताब है एक फेमस बुक है चलिए फ्रीडम बिहाइंड बार्स चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फ्रीडम बिहाइंड बार्स तुम्हारी तो भाई अलग वाली फ्रीडम है तुम्हारी अलग वाली फ्रीडम है तुम्हें यहाँ बार्स नहीं होना चाहिए तुम्हें कुछ और लिखा होना चाहिए चलिए फ्रीडम बिहाइंड बार्स किरण बेदी जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला या फिर नेल्सन मंडेला शेख अब्दुल्ला के बारे में भी आप जानते होंगे मंडेला साहब के बारे में आप जानते हैं किरण बेदी जी के बारे में आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी आप जानते हैं एक सवाल आपसे पूछूंगा नेल्सन मंडेला जी को कब सम्मानित किया गया था नोबल पुरस्कार से और कब इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ये दो सवालों के जवाब दे दीजिए ये दो सवाल एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस रहते हैं हमेशा ही रहते हैं हर बार ये सवाल एग्जाम में आते ही हैं सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है किरण बेदी जी ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब किरण बेदी जी है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर द बुक दुक्यूवर ट्रेवल्स वॉस रिटर्न बाय ये गुली गुलीवर्स ट्रेवल्स जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है एलेक्सेंडर ड्यूमस के द्वारा चार्ल्स लैम्स के द्वारा चार्ल्स डिकन्स के द्वारा या फिर जोनाथन जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा गुलीवर ट्रेवल्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है एलेक्जेंडर ड्यूमेस के द्वारा चार्ल्स लैम्स के द्वारा चार्ल्स डिकन्स के द्वारा या फिर जॉनेथन स्विफ्ट के द्वारा मान लीजिए आपकी एक बहुत ज़बरदस्त नौकरी लग जाए और वर्ल्ड टूर करने को मिले तो वर्ल्ड टूर में पढ़ना भाई ये किताब है फिर ठीक है धीरे धीरे एक एक पन्ना खोल कर अलग अलग पेजों को खोल कर आराम से पढ़ना नाइनटीन बहुत बढ़िया ठीक एक एक पन्ना खोल कर आराम से मतलब प्लेन तुम्हारा प्राइवेट हो पर्सनल तुम्हारा प्लेन हो और चला रहा हो पायलट उसको बोलो पेट्रोल डलवा ले बस भाई तू उसको बोल पेट्रोल डलवा ले फुल कर ले की, और उड़ा चल उड़ा चल फिर रोक मत उतारियो मत लैंड मत कराइयो कहीं भी ठीक है नीरज नीधा जी बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से सवाल का सही जवाब रहेगा जॉनेसन स्विफ्ट यार क्या मतलब अमेजिंग जिंदगी होगी ना उसको बोलो पेट्रोल डाल ले तो भाई फुल कर ले टैंक ठीक है वैसे ये मत बोलना डीजल होता है सर उसमें वाइट वाला ठीक ये मत बोलना ठीक है फ्यूल की बात कर रहा हूँ डीजल होता है पेट्रोल होता है वो तुम देख लेना अपने हिसाब से क्या डलवाना है या फिर तुम्हें वो आ, बायो फ्यूल डलवाना है ठीक सवाल का जवाब जॉनेथन स्विफ्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय कपिल देव ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बढ़ेंगे पूरे चांसेस कपिल देव वाले सवाल के हरी कैन ऑफ हरियाणा सवाल आपकी स्क्रीन पर है वन डे वंडर्स क्रिकेट माई स्टाइल ट्वेंटी एट ईयर एट टॉप या फिर क्रिकेट फेवरेट गेम बताइए बुक इज रिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस किताब को लिखा गया है अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए देखें तो ठीक <coughs> जी मैं कहा से हूँ रहता दिल्ली में ही हूँ बॉर्न दिल्ली हूँ बिलोंग करता हूँ राजस्थान से ठीक हलवर के पास से नीम के थाने से विच ऑफ द फॉलोविंग बुक इज रिटन बाई कपिलई स्टाइल ऑप्शन नंबर बी सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट माई स्टाइल ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है एट लाइव्स इज बुक रिटर्न बाई ये सवाल मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी जल्दी जवाब दीजिए एट लाइव्स किसके द्वारा लिखी गई किताब है ये सवाल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ रिपीट हो रहा है एट लाइव्स किसके द्वारा लिखी गई किताब है फटाफट जवाब दीजिए भाई रिपीट हो रहा है ये वाला सवाल ऑलरेडी पढ़ा दिया एट लाइव्स वाला सवाल चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब एट लाइव्स किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है सवाल का जवाब है राजमोहन गांधी ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है स्क्रीन पर गीता गोविंद इस रिटन बाय ये सवाल भी रिपीट हो रहा है जल्दी जवाब दीजिए गीता गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन फटाफट जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हें जल्दी जल्दी निपटाना ताकि फायदा हो स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट बहुत बढ़िया क्या रहेगा सवाल का जवाब पिछले सवाल का जवाब आपने देख ही लिया है क्रिकेट माई स्टाइल वो हो गया ठीक है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है गीता गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है तो जयदेव जी के द्वारा लिखी गई है गीता गोविंद ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु इज द ऑथर ऑफ़ द फेमस बुक मिड नाइट चिल्ड्रन ये नया सवाल है भाई बिल्कुल मिड नाइट चिल्ड्रन जो प्रसिद्ध एक बहुत फेमस किताब है उसके लेखक कौन थे सलमान रुजदी विक्रम सेठ वी एस नैपॉल या फिर नैन नैन तारा सहगल जी चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब नैन तारा सहगल जी हु इज़ द ऑथर ऑफ़ द फेमस बुक मिड नाइट चिल्ड्रन मिड नाइट चिल्ड्रन नाम के किताब के ऑथर कौन थे हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मिड नाइट चिल्ड्रन सवाल का जवाब क्या रहेगा भाई साहब जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा सलमान रुशदी ऑप्शन नंबर ए सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा सलमान रुशदी ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम ये जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है सर ध्यान से पढ़ना सवाल शांति से द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई किताब है ऑप्शन है रिचर्ड बॉल्फे के द्वारा पीटर हटसन के द्वारा तमारिया तमारा लिपर के द्वारा या फिर फरीद जकारिया के द्वारा फ्यूचर ऑफ फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई किताब है चलिए जी जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट फड़ से प्रॉमिस पूरा निभाऊंगा सौ करा कर ही जाऊंगा ठीक तो नारा सा हो गया क्या रहेगा सवाल का जवाब हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्यूचर ऑफ द फ्रीडम रिचर्ड बॉल्फे पीटर हुडसन तमारा लिपर या फिर फरीद जकारिया सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है फरीद जकारिया ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑल द प्राइम मिनिस्टर मैन बताइए भाई ऑल द प्राइम मिनिस्टर मैन के लेखक कौन है जनार्दन ठाकुर हैं रमेश थापर हैं कमला चट्टोपाध्याय है या फिर खुशवंत सिंह है अच्छा है ये क्वेश्चन ठीक है वो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आपने बहुत बार सुनी होगी पैराडॉक्सिकल पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पी ये बहुत बार आपने सुनी होगी किसकी किताब है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर तो ये रहेगी अपनी आ, नाम कैसे बोल सकता हूँ उनका इसके अलावा एक किताब और रहेगी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ठीक है एक किताब और रहेगी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर यह किसकी रहेगी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रहेगी संजय बारू की ठीक है यह किसकी रहेगी संजय बारू की रहेगी और पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसकी रहेगी ये रहेगी शशि थरूर की यह किसकी रहेगी ये किस रहेगी रहे शशि थरूर जी की ध्यान रखना बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है अगर भारत के रूप में देखा जाए तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑल ऑल द प्राइम मिनिस्टर इज मैन जनार्दन ठाकुर रमेश थापर कमला चट्टोपाध्याय या फिर खुशवंत सिंह क्या रहेगा सवाल का सही जवाब बहुत बढ़िया सवाल का जवाब है जनार्दन ठाकुर ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है सवाल है हु हैज़ रिटन द बुक द फैमिश्ड रोड द फैमिश्ड रोड की जो किताब है ना द फैमिश्ड रोड पुस्तक के लेखक कौन है ई ऑन ऑस्टिन वी एस नेपोल बैन ओकरी या फिर जोला इमेली चलिए फैमिश्ड रोड फैमिस्ट रोड के लेखक कौन है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट फड़ से फैमिस्ट रोड के लेखक कौन है और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट फड़ से लाइक वाइक भी कर दिया करो भाई साहब फैमिस्ट रोड के लेखक कौन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फैमिस्ट रोड कल का टॉपिक क्या रहेगा कल शायद छुट्टी रखने की कोशिश रहेगी मंडे को देखता हूँ मैं कोई अच्छा ज़बरदस्त टॉपिक देखूंगा ठीक वैसे मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी बना रखा है ठीक मैं बता दूंगा आपको क्या रहेगा टॉपिक मगर आप बेफिक्र रहिए आप बेफिक्र रहिए अच्छा ही टॉपिक रखूंगा ज़बरदस्त जिससे आपके एक पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाए ठीक मिक्स अवेयरनेस रखने की कोशिश करूंगा मिक्स अवेयरनेस ठीक है फिफ्टी फाइव क्वेश्चन मिक्स अवेयरनेस की मैं रखने की कोशिश रखूँगा ठीक क्या है सवाल का जवाब सवाल का जवाब है बैन ऑक्री ऑप्शन नंबर सी सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब बैन ऑक्री ऑप्शन नंबर सी है नेक्स्ट क्वेश्चन ना खात्मा होने वाली कहानी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ना खात्मा होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है टी एन शेशन की है अमिताभ बच्चन की है सोनिया गांधी की है या फिर वीपी सिंह की है क्या है सवाल का सही जवाब चलिए क्या है सवाल का सही जवाब ना खात्मा होने वाली कहानी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ टी एन शेषन अमिताभ बच्चन सोनिया गांधी या फिर वी सिंह चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब वी सिंह रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी कमेंट करके बताइए वी सिंह क्या कभी भारत के प्रधानमंत्री बने या नहीं और अगर बने हैं तो कौन से ईयर में बने हैं वी सिंह सवाल का जवाब वी सिंह है ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब ना ख़त्म होने वाली कहानी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है सवाल का जवाब रहेगा वी सिंह इसके अलावा ये जो इन है ये जो इन है ये किसकी आत्मकथा है या किसके द्वारा लिखी गई किताब है इन किसके द्वारा लिखी गई किताब है एक प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई किताब है भैया इन साइडर क्या रहेगा सवाल का जवाब किसके द्वारा लिखी गई किताब है इनसाइडर एक बहुत अमेजिंग बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर है जिनको ओवर शेडो कर दिया गया मगर बहुत ज़बरदस्त काम किया वो प्रधानमंत्री ने इन साइडर किसके द्वारा लिखी गई किताब है ये भी बता दीजिए अगला सवाल है हु हैज़ रिटन द बुक कश्मीर बिहाइंड द वेल बताइए भाई, वे, भाई कश्मीर बिहाइंड द वे वेले पुस्तक किसने लिखी है बताइए भाई कश्मीर बिहाइंड द वेले किसके द्वारा लिखी गई किताब है एल रामदास के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह के द्वारा एम जे अकबर के द्वारा या फिर लेफ्टिनेंट जनरल एस सी सरदेश पांडे के द्वारा हु रिटन तो द बुक कश्मीर बिहाइंड द वेले एल रामदास जी लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह जी एम जे अकबर या फिर लेफ्टिनेंट जनरल एससी सरदेश पांडे के द्वारा किसके द्वारा निम्नलिखित में से ये लिखी गई है वीपी सिंह प्रधानमंत्री मिलेंगे 1989 में बने थे क्लियर कैसे जीते थे बोफोर्स तो घोटाले का आरोप लगाया था राजीव गांधी के ऊपर और लगभग उसी वजह से चुनाव हार गए थे राजीव गांधी अगर मेनली देखा जाए तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है क्या रहेगा सवाल का जवाब बिहाइंड द बिहाइंड द वैले करके कश्मीर बिहाइंड द वैले बुक है सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा एम जे अकबर ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब एम जे अकबर रहेगा इस सवाल का सही जवाब सवाल का जवाब इन साइडर रहेगी पीवी नरसिम्हा राव की क्लियर जिन्होंने लुक ईस्ट लुक वेस्ट पॉलिसी को शुरू करवाया था जिसके जिनके समय पर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह वो है पी वी नरसिम्हा राव जो अठारह भाषाओं के जानकार थे जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना गया है भारत में ठीक है चाणक्य मोनी बाबा इन सभी की उपा मतलब इन सभी के नामों से जाना गया है किसे पी वी नरसिम्हा राव साहब को इस सवाल का जवाब है एम जे अकबर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सवाल है हु हैज़ रिटन द फेमस बुक मैन काइंड एंड मदर अर्थ प्रसिद्ध किताब मैन काइंड एंड मदर अर्थ किसने लिखी है बताइए भाई मैनकाइंड एंड मदर अर्थ किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है, है. आर्नोल्ड टॉन बे के द्वारा लियो टोल के द्वारा जॉन रस्किन के द्वारा या फिर बैट्रेंड रसल के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए एक चीज और याद रखना कल साइंस हेवन पे ना मैं रिवीजन क्लास लगाऊंगा साइंस हेवन चैनल पे रिवीजन क्लास लगाऊंगा तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है और अन्य क्लासेस में वो साइंस हेवन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल है सर्च कर लेना साइंस हेवन यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा ये चैनल चलिए किसके द्वारा फेमस किताब लिखी गई है मैन एंड मदर अर्थ कौन है वो जिसके द्वारा ये एक फेमस किताब को लिखा गया है सवाल का जवाब है आर नॉल टॉन बे के द्वारा इस फेमस किताब को लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई प्रेजिडेंशियल ईयर माई प्रेजिडेंशियल ईयर जो है वो किसकी किताब है ये जितने नाम आपके सामने लिखे हैं सारे ही राष्ट्रपति रहे हैं नीलम संजीवा रेड्डी आर वेंकटरनम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी ये सभी राष्ट्रपति रहे हैं राष्ट्रपतियों को याद करने की ट्रिक मैंने बना रखी है पढ़ा भी रखी है लगभग पचास हजार बच्चों ने वो ट्रिक देख रखी है आर आर एस जा वोट फिर नहीं गिरेगा वोट फिर नहीं गिरेगा राम शंकर नारायण के नाम पे राम शंकर नारायण के नाम पर ठीक है राम शंकर नारायण के नाम पर ये भारत के सभी राष्ट्रपति हैं चलिए माय प्रेसिडेंशियल ईयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट फड़ से राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण जाकिर हुसैन बी वी गिरी फकरुद्दीन अली अहमद नीलम संजीवा रेड्डी ज्ञानी इजाल सिंह आर वैंकाटरनम शंकर दयाल शर्मा के आर नारायणन अब्दुल कलाम साहब नाम से जो एक एक्सेप्शन है वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि एकमात्र भारत में महिला राष्ट्रपति रही हैं पी ए से प्रणब मुखर्जी और आर से हो गए रामनाथ कोविंद ये भारत के सभी राष्ट्रपति हैं जो लिखे हुए हैं बोर्ड बेट्रिक है याद करने की सवाल का जवाब है आर वैंकाटरनम ये रहे आर वैनकाटरनम ठीक है राम से आर वेन का आपको मिल जाएंगे शंकर से शंकर दयाल शर्मा नारायण से के आर नारायणन आपको मिल जाएंगे क्लियर पूरी की पूरी ट्रिक है इसी प्रकार की ट्रिक है उपराष्ट्रपति को याद करने की इसी प्रकार की ट्रिक है याद करने की भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को ठीक है प्रधानमंत्रियों को याद करने की ट्रिक है जाग ली मैंने, मैंने चंद ही रातें जाग ली मैने चंद ई रातें तो वो एस एस सी पार होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सभी प्रधानमंत्री हैं भारत के ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है

यार हम अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं आप भी अपना हंड्रेड परसेंट देकर कम से कम हंड्रेड तक तो रख लीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब रहेगा जुगान्तर ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब रहेगा जुगानतर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है वो तो भला मानिए कि इसमें अरजीत सिंह नहीं दे रखा वरना आप टिक करके आगे बढ़ जाते

सवाल का जवाब रहेगा सर ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का सही जवाब पंडित रविशंकर रहेगा सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल द बुक सैटनिक वर्स है पढ़ा दिया सवाल भाई है सैटनिक वर्सेज वाला सवाल मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी जल्दी जवाब दीजिए ये सैटनिक वर्सेज जो है किसकी किताब है बताया था कि इंग्लिश नाम देख घबरा मत जाना हिंदी व्यक्ति है जिसने किताब लिखी है ठीक सवाल का जवाब क्या था सलमान रुशदी था सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी ये वाला सवाल मैं पढ़ा चुका हूं अब देखो जब भी तुम्हारी आंखों के सामने ये सवाल आएगा ना तुम्हारे बात तुम्हारे दिमाग में मेरा यही बात आएगी कि इंग्लिश व्यक्ति नहीं था अपना ही व्यक्ति है हिंदी ही व्यक्ति है और सलमान रुश्दी ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा एग्जाम में ऑटोमेटिकली क्लियर सवाल का जवाब क्या था सलमान रुश्दी था बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल हो इज द ऑथर ऑफ द बुक नो फुल स्टॉप इन इंडिया चलिए भाई नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसकी किताब है राजा राम राजा मोहन गांधी की श्यामलाल की ई एम फॉस्टर की या फिर मार्क टुल्ली की चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है नो फुल स्टॉप नो फुल स्टॉप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है क्या है सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई नो फुल स्टॉप नो फुल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है सवाल का जवाब है मार्क टुल्ली के द्वारा लिखी गई किताब है ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब सर करंट अफेयर की भी ले ली किताबें स्टैटिक्स जी के वाली भी ले ली हिस्ट्री वाली भी ले ली सर जोग्राफी वाली भी ले ली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो भी ले ली अब जो थोड़ी बहुत बचेंगी ना जो करंट अफेयर वाली बनेंगी जो कुछ थोड़ी बहुत करंट वाली बनेंगी उनको अलग से करवा दूंगा करंट अफेयर वाली क्लासेज में ठीक मैं टारगेट कर रहा हूँ चार एग्ज़ाम्स को एम टारगेट कर रहा हूँ जी टारगेट कर रहा हूँ एन को टारगेट कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी को टारगेट कर रहा हूँ चार एग्जाम्स को और उसके हिसाब से सिलेबस करवा रहा हूँ पूरा का पूरा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रसिद्ध क्रिटिक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक इसके अलावा जॉन लॉक कार्ल मार्क्स या फिर थॉमस पेन क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब हु ऑथर ऑफ द बुक द ऑथर ऑफ द फेमस बुक्रीब्यूशन टू क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब दीजिए भाई सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब रहेगा कार्ल मार्क्स ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी रिटर्न अच्छा सवाल है भाई इंदिरा गांधी रिटर्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा खुशवंत सिंह के द्वारा कुलदीप नैयर के द्वारा या फिर नीरज सी चौधरी के द्वारा इंदिरा गांधी रिटर्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है चलिए इंदिरा गांधी रिटर्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्या रहेगा इस का सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से इंदिरा गांधी रिटर्न निम्नलिखित में से किसकी किताब है सवाल का जवाब रहेगा खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई किताब है इंदिरा गांधी रिटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है द तो गैदरिंग स्ट्रॉम पढ़ाया हुआ सवाल है जवाब दीजिए भाई द गैदरिंग स्ट्रॉम द गैदरिंग स्ट्रॉम पढ़ाया हुआ सवाल है जल्दी जवाब दे दीजिए भाई फटाफट से द गैदरिंग स्ट्रॉम पढ़ाया हुआ सवाल है जल्दी से वॉली टायर रॉमन रॉलेंड विंगसटन चर्चिल या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन द द दैदरिंग स्ट्रोम गैदरिंग स्ट्रोम किसके द्वारा लिखी गई किताब है तो द गैदरिंग स्ट्रोम लिखी गई किताब है विंस्टन चर्चिल के द्वारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का सही जवाब विंस्टन चर्चिल रहेगा सवाल का सही जवाब गैदरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्वेट एंड द सिकल स्वेट एंड द सिकल स्वेट एंड द सिकल पुस्तक के लेखक कौन है बताइए भाई स्वेट एंड द सिकेल निम्नलिखित में से, से किसके द्वारा लिखी गई है आर के लक्ष्मण के द्वारा के पी एस मैनन के द्वारा आर के नारायण के द्वारा या फिर मुल्क राज आनंद के द्वारा स्वैट एंड द सिकल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई जी यू एन ओ की फर्स्ट विजय लक्ष्मी पंडित बहुत बढ़िया एक बार सवाल पूछा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैमिली में कौन सी दो महिलाएं थी जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदों पर बैठी एक उनकी बेटी थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में आप जानते हैं यूएस की और यू एन की जो अध्यक्ष रही ठीक बहुत बढ़िया महिला निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है आर के लक्ष्मण के पी एस मैन के आर नारायण या फिर मुल्क राज आनंद सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है मुल्क राज आनंद ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है द फेमस बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अगर आप अच्छे खासे समय से तैयारी कर रहे हैं ना आपने यह सवाल जरूर पढ़ा होगा द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई है रिटर्न बाय द डॉटर ऑफ द ईस्ट अगर आप अच्छे खासे एग्जाम मतलब हमें से तैयारी कर रहे हैं लगभग छह महीने से भी तैयारी कर रहे हैं ना तो ये सवाल आपने जरूर पढ़ा होगा हंड्रेड परसेंट चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब बंद्र नायका श्रीमावो ये आ, मतलब दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो श्रीलंका की बनी थी ठीक नसरीन आगुनशन शुरू

को मैन बुकर पुरस्कार मिला है चलिए भाई जवाब दीजिए मैन बुकर पुरस्कार मिला है किस लेखक को मिला है जिसने एक आ, जिसने एक ये नॉवल लिखा नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस विक्रम सेठ किरण देसाई सलमान रोजदी या फिर वी एस क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए क्या है सवाल का सही जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट फड़ से क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी बहुत बढ़िया सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है किरण देसाई ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब एडी वन नंबर का क्वेश्चन है सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्लैमिंग ट्रेसेस फ्लैमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी फ्लैमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी पुस्तक के लेखक कौन है स्मृति ईरानी वीरप्पा मौली मल्लिका अर्जुन खड़गे या फिर नन ऑफ दीस बताइए भाई हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्लैमिंग फ्लैमिंग ट्रेसिस ऑफ द्रौपदी या अर्जुन खड़गे हुआ करते हैं मेरे ख्याल से अभी भी ये राज्यसभा में आपको विपक्ष के नेता मिल जाएंगे ठीक चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब स्मृति ईरानी वीरप्पा मौली अर्जुन खड़गे या फिर नन ऑफ दिस क्या है सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट फड़ से सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा वीरप्पा मौली ऑप्शन नंबर बी सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी वीरप्पा मौली जी के द्वारा लिखी गई किताब है फ्लैमिंग ट्रेसेज ऑफ द्रौपदी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है विच फ्रीडम फाइटर हैज द ऑथर ऑफ द बुक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह जी थे बाल गंगाधर तिलक जी थे विनायक दामोदर सावरकर जी थे या फिर सुभाष चंद्र बोस जी थे बयासीवा सवाल एटी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है चलिए और भाई साहब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जिसका लेवल हल्का था ये तुमने देख ही लिया होगा एक सिंगल क्वेश्चन में तक तुमने ऐसा नहीं देखा होगा जिसका लेवल हल्का मिला हो तुम्हें ठीक सारे क्वेश्चन ऐसे मिले हैं तुम्हें जिसका लेवल एकदम अपग्रेडेड है क्लियर विच फ्रीडम फाइटर हैज वॉज द ऑथर ऑफ द बुक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीम भगत सिंह जी बाल गंगाधर तिलक विनायक दामोदर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए भाई जल्दी से ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसे एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिया जाएगा सवाल का जवाब है भगत सिंह साहब के द्वारा ये लिखी गई है बुक ऑथर ऑफ द बुक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह साहब है सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब पहले क्वेश्चन से लेकर पहले क्वेश्चन से लेकर बयासीवें नंबर के एक क्वेश्चन में बता दो कि हल्का लगा एक सवाल एक सवाल हल्का लगा मतलब और तुम्हें ऐसे भी लगा रहे फालतू सवाल पढ़ा रहे हैं ये कहाँ एग्ज़ाम में एक सिंगल सवाल में तुम्हें ऐसा लगा कि फालतू तो सवाल पढ़ा रहे ठीक सवाल का जवाब क्या है ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज अ बुक बाय लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इन नई दिल्ली टाइटल हिंदी में पढ़िए इंग्लिश में थोड़ा फास्ट पढ़ दिया हिंदी में आराम से पढ़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है जिसका शीर्षक क्या है चलिए जिसका शीर्षक क्या है मतोपदेश भाग्यश्री प्रे प्रेरणादायिनी या फिर मतोश्री क्या है सवाल का सही जवाब आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर जिनका नाम था सुमित्रा महाजन अब तो रिटायरमेंट ले लिया है अभी कौन है अभी आपको कौन मिल जाएगा जल्दी जवाब दीजिए फटाफट -फड़ से लोकसभा स्पीकर कौन है मौजूदा समय में जल्दी से बताइए भाई नहीं बता तो लिख लीजिए ओम बिरला साहब मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल जाएगी कोटा ओम बिरला साहब ठीक क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब रहेगा मतोश्री ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब रहेगा मतोश्री ऑप्शन नंबर डी सीधा सवाल आ जाए एग्जाम में कि सुमित्रा महाजन जी के द्वारा जिस किताब को लिखा गया है जिसका विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम क्या है मतोश्री उसका नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस बुक कंकल इज ऑथर बाय बताइए भाई प्रसिद्ध पुस्तक कंकाल लिखा है ये कंकाल किसके द्वारा लिखी गई किताब है बताइए भाई कंकाल इज ऑथर बाय केतन भगत चेतन भगत होना चाहिए भाई महेश राव निर्मल वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद क्या, तो क्या, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए चेतन भगत कर लेना भाई साहब उसको ठीक है पर कोई दिक्कत नहीं है जवाब दीजिए आप महेश राव निर्मल वर्मा जयशंकर प्रसाद क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब रहेगा जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब जयशंकर प्रसाद रहेगा सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन है जुल्फी माई फ्रेंड इज बुक रिटर्न बाय चलिए भाई जुल्फी माई फ्रेंड ये किताब किसके द्वारा लिखी गई आप जुल्फीकर अली भुट्टो के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा खुशवंत सिंह के द्वारा या फिर पिल्लो मोदी के द्वारा चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है जवाब दीजिए भाई जुल्फी माई फ्रेंड इस बुक रिटर्न बाय जुलफिकर अली भुट्टो जयडे का मतलब है जुल्फिकर अली भुट्टो जिनकी बेटी बैनर्जी जिन भुट्टो जो पहली बार भारत आई थी शिमला कॉन्फ्रेंस के समय जब जुलफ़िकर अली भुट्टो ने शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो जो वॉर हुआ था ना 1971 वाला जो शुरू हुआ था तीन दिसंबर 1971 को जिसका रिजल्ट निकल गया था 16 uh, 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश का निर्माण हमने करवाया जिस देश का नाम था बांग्लादेश बांग्लादेश अपना आज़ादी दिवस मनाता है छब्बीस मार्च उन्नीस को मगर हमने तो सोलह दिसंबर को ही उन्हें करवा दिया था फ्री तो जुल्फिकर अली उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे ठीक है चुनाव तो वैसे देखा जाए तो जीते थे कौन चुनाव जीते थे बांगा बंधु शेख मजिब रहमान मगर उन्हें जेल में डलवा दिया गया जुलफ़िकर अली भुट्टो के द्वारा और यैया खान के द्वारा यैया खान कौन थे आर्मी के अध्यक्ष थे उस समय पाकिस्तान के क्लियर सवाल का जवाब दीजिए भाई सवाल का जवाब क्या है पिल्लू मोदी सवाल का जवाब है पिल्लू मोदी ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब क्लियर ध्यान रखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है हु इज़ द ऑथर ऑफ द कोनाल मा कोना लामा पाडलू को लामा पाडलू के लेखक कौन है अरुद्रा गदर श्री, श्री या फिर देवुपल्ली कृष्णा शास्त्री जी बताइए भाई क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल एटी सिक्स नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं इजी के साथ चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी देने की कोशिश कीजिए फटाफट फड़ से क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी या फिर डी सवाल का सही जवाब रहेगा अरुद्रा ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब रहेगा अरुद्रा ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इंडिया वेंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया वेंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है शायद दिन में पढ़ाया था यह सवाल चलिए इंडिया वेंस फ्रीडम क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए इंडिया वेंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी है बायोग्राफी मतलब किसी और ने लिखी है ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं लिखी गई है क्या है सवाल का सही जवाब इंडिया वेंस वेंस फ्रीडम। फ्रीडम इंडिया द ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसके द्वारा लिखी गई है भाई ये? इंडिया वेंस फ्रीडम क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब रहेगा अबुल कलाम आजाद जिनके रूप में मनाया जाता है क्या नेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है क्लियर ठीक नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है क्लियर नेशनल एजुकेशन डे स्टूडेंट्स डे मनाया जाएगा कलाम साहब के रूप में जो 15 अक्टूबर को होता है क्लियर ये 11 नवंबर को मिलेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ ये पढ़ाया हुआ सवाल है जल्दी जवाब दीजिए रविंद्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सरोजी नायडू या फिर ज्योतिबा फुले जी के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई हु इज द ऑथर ऑफ द आनंद मठ आनंद मठ के लेखक कौन है सवाल का जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कलर्स ऑफ रेनबो निम्नलिखित में से कौन है कलर्स ऑफ रेनबो के पुस्तक के लेखक कलर्स ऑफ रेनबो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है कलर्स ऑफ रेनबो जी हाँ मेरी याददाश्त तेज है मुझे याद आ जाता है एक हल्का सा पॉइंट भी इधर उधर होता है ना तो मेरे माइंड में क्लिक कर जाती है वो चीज़ें चलिए कलर्स ऑफ रेनबो किसके द्वारा लिखी गई है कलर्स ऑफ रेनबो ए वी कामत के द्वारा अनिता नैय्यर के द्वारा प्रतीश ना प्रतीश नैंडी के द्वारा या फिर रंजीत बिश्वास के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब है रंजीत बिश्वास ऑप्शन नंबर डी कलर्स ऑफ द रेनबो पुस्तक के लेखक कौन है रंजीत बिश्वास मिलेंगे लेखक नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द जूस इज नेम्ड एज जो ये यहूदियों के धार्मिक पाठ है ना के रूप में नामित है किस रूप में उन्हें जाना जाता है जो यहूदियों के जूस के रिलीजियस uh, टेक्स्ट है उसे किस रूप में हम जानते हैं द टोरा uh, या फिर एना क्या रहेगा सवाल का सही जवाब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो जूस है वो जूस के जो uh, धार्मिक ग्रंथ है उन्हें किस रूप में जाना जाता है सवाल का जवाब है टोरा ऑप्शन नंबर बी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए नाइन वन नंबर का क्वेश्चन अमृता प्रीतम वर्क आर रेवेन्यू स्टैंप इज आ जो अमृता प्रीतम जी के द्वारा उनका जो वर्क है रेवेन्यू वो क्या है एक बुक है नॉवल है बायोग्राफी है या फिर ऑटोबायोग्राफी है चलिए जवाब दीजिए अमृता प्रीतम जी के द्वारा आ रेवेन्यू स्टैंप जो है वो क्या है स्टोरी है नॉवल है बायोग्राफी है या फिर ऑटोबायोग्राफी है जल्दी से जवाब दीजिए भाई क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए हाँ बुक आ स्टोरी नॉवल बायोग्राफी और एन ऑटोबायोग्राफी ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब एक आत्मकथा है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है द बुक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन अ नेचर ऑथर्ड बाय इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो पुस्तक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है जयराम रमेश के द्वारा आनंद शर्मा के द्वारा गुलाम नबी आजाद के द्वारा या चेतन भगत के द्वारा चलिए पुस्तक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर किसके द्वारा लिखी गई है जयराम रमेश के द्वारा आनंद शर्मा के द्वारा गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा या चेतन भगत के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए सवाल का सही जवाब रहेगा जयराम रमेश के द्वारा ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन फेमस बुक द रिटर्न ऑफ नेटिव द रिटर्न ऑफ नेटिव जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा बिल गेट्स के द्वारा एम एम काया के द्वारा या फिर लियो डगलस के द्वारा रिटर्न ऑफ द रिटर्न ऑफ नेटिव यह जो द रिटर्न ऑफ नेटिव है वो किसके द्वारा लिखी गई है चलिए जवाब दीजिए द रिटर्न ऑफ नेटिव इज रिटर्न बाई द रिटर्न ऑफ नेटिव इज रिटर्न बाय थॉमस हार्डी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब थॉमस हार्डी है सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है द रिटर्न ऑफ नेटिव के लेखक कौन है थॉमस हार्डी है नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक ट्रुथ लव लिटिल मेलाइस इज पुस्तक बायथ लव एंड लिटिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है तरुण तेजपाल के द्वारा विक्रम के द्वारा खुशवंत सिंह के द्वारा या फिर नीरज सिंह चौधरी के द्वारा चलिए तो बुक का नाम क्या है बुक का नाम है ट्रुथ लव एंड आर लिटिल मेलाइस किसके द्वारा लिखी गई है चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं जवाब दीजिए भाई फटाफट फड़ से और ग्लास को लाइक कर दीजिए भाई फटाफट से शेयर वेयर तो तुम लोग करते ही नहीं हो क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब है खुशवंत सिंह ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू तेलुगु एज अ पोसंदी रिटन बाय पोलो अपोलो कॉलियो पोलो कैलिओ द्वारा निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस उपन्यास को तेलुगु के पसौंदी के रूप में अनुवाद किया गया है। जवाब थोड़ा सा अच्छे अच्छे लेवल लेवल का का मतलब बहुत क्वेश्चन है। ब्रीदा, दीजिए और यह सवाल, सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एलकेमिस्ट के लेखक कौन है तो आपको जवाब देना पड़ेगा पॉल कैल है पॉल कैल लेखक द एलकेमि के और इनका अनुवाद किया गया तेलुगु में पसंदी के रूप में किसने लिखी है पॉल कैलियो पॉल कैलियो ने लिखी है सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द जजमेंट पढ़ाया हुआ सवाल है आज ही पढ़ाया जवाब दीजिए द जजमेंट के लेखक कौन है आज ही पढ़ा है ये वाला सवाल जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट फड़ से द जजमेंट वाला सवाल आज ही पढ़ाया आपको फटाफट फड़ जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब द जजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है कुलदीप नायर के द्वारा लिखी गई है द जजमेंट बनेंगे पूरे चांसेस नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी सेवन नंबर का हु हैज हैजेंड अ बुक टाइटल आई डू वट आई डू ऑन रेफ्रॉम रॉथरिक एंड रिजोल्व बहुत बेसिक सवाल है आई डू वट आई डू किसके द्वारा इन्हीं के द्वारा लिखी गई है द थर्ड पिल्लर भी ठीक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है द थर्ड पिल्लर भी ये सारे सवाल एग्जाम में आए हैं भाई द थर्ड पिलर भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है सवाल का जवाब है रघुराम राजन जी आ, हुआ करते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन जी एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं बहुत ही अल्टीमेट पर्सनैलिटी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं सवाल का जवाब है रघुराम राजन जी ऑप्शन नंबर बी आई डू वट आई डू द थर्ड पिलर दोनों ही किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर निम्नलिखित में से कौन है फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला ओंग सान सुकाई तस्लीमा नसरीन या फिर बैनर्जी बुट्टो फ्रीडम फ्रॉम फियर किसके द्वारा लिखी गई किताब है चलिए फ्रीडम फ्रॉम फियर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब जवाब दीजिए फ्रीडम फ्रॉम फियर किसके द्वारा लिखी गई किताब है ओंग सान सुकाई के द्वारा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल द बुक ऑल अंडर हैवन वॉज रिटन बाय ऑल अंडर चलिए सभी चीज़ें स्वर्ग के अधीन आती हैं ऑल अंडर है all under heaven. किसके द्वारा लिखी गई किताब है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन है पॉल एसबक सिडनी शार्टॉन डी एच लॉरेंस जॉर्ज बैनर्ड शॉ के द्वारा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल का सही जवाब है पॉल एसबक सवाल का सही जवाब क्या है सवाल का सही जवाब है पॉल बक के द्वारा लिखी गई किताब है ऑल अंडर हैवन अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है स्क्रीन पर हाँ चलिए इतना ही है निन्यानवे क्वेश्चन थे पूरे के पूरे भाई साहब निन्यानवे क्वेश्चन तुम्हें करा दिए ईमानदारी से खड़े होकर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ में आंसर्स तुम्हें नहीं मिलेंगे इसका रिवीजन सेशन मैं कोशिश करूंगा साइंस सेवन चैनल पे करा दूं ताकि याद हो जाए चीज़ें तुम्हें ठीक तो साइंस हेवन चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चाहते हो सिलेक्शन हो जाए तो ज़रूरी है भाई सब्सक्रिप्शन करना फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब चैनल है क्लियर यूट्यूब चैनल है फ्री क्लासेस हैं साइंस सेवन चैनल पे दोपहर एक बजे और दिन में हाँ, दोपहर एक बजे और रात सवा नौ बजे क्लास आपको मिल जाएगी क्लियर ध्यान रखना कल भी क्लासेस मिल जाएंगी रिवीजन करा दूंगा इन चीजों की सवाल का जवाब मैंने आपको सभी दे दिया है पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास अच्छी लगे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना याद से ठीक है जी चलें आप चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अब मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में दोपहर एक बजे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए